हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बड़े दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु इस प्यारे वक्त के लिए खुदावन, जो आपने हमारे जीवन में आने दिया प्रभु कि हम आपके हुजूरी में आ सकें, आपकी तारीफ आपकी स्तुति आपकी महिमा आपके गुणानुवाद गाने के लिए प्रभु, क्योंकि आप ही सर्व सामर्थी सर्वव्यापी सर्वज्ञानी खुदावन हैं, आप पुरुषोत्तम हैं खुदावन। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप जो इतने महान खुदावन है प्रभु, इस युग में आप इस पृथ्वी पर उतर आए खुदावन, एक पांव समुंदर पे एक पांव धरती पर, उस खुली किताब के साथ उस मीरास के लिए खुदावन, वो पुस्तक जो कि आदम ने खोई थी प्रभु बाग्यदन में प्रभु, और उसके पास जो जीवन में के जो अधिकार थे खुदावन, राइट टू लाइफ एंड राइट टू इनहेरिटेंस, वो चला गया प्रभु। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस युग में खुदावन, उस पुस्तक को आज दुल्हन को वापस लौटाने के लिए प्रभु, मैं आपका बड़ा शुक्र करता हूं खुदावन कि आप स्वयं आए खुदावन, आपने किसी तीसरे चौथे शख्स को नहीं भेजा प्रभु, लेकिन आप स्वयं आए खुदावन ताकि इस पुस्तक को अपनी दुल्हन को सौंपे खुदावन। वो खास नाम जो बिलालम से पेशतर प्रभु आपके विचारों में पाए जाते थे, वो खास नाम जो उस मेमने के जीवन की पुस्तक में पाए जाते थे प्रभु, मैं बड़ा आनंदित हूं खुदावन, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। जब हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं आज वर्तमान के उस प्रगटीकरण में होते हुए खुदावन, जो वचन का हमारे बीच में हुआ है प्रभु। ओ खुदावन यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस खास दिन में रहने का फजल दिया, जिसमें बहुत सारे संत और पुराने लोग रहना चाहते थे प्रभु, बहुत सारे नबी इस युग में रहना चाहते थे खुदावन, लेकिन आपने प्रभु फजल हमें दिया खुदावन, प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसे लोग जो कि सातवीं मोहर खुलने के बाद बचाए गए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी तारीफ हो प्रभु इस ईस्टर मोहर के लिए खुदावन, इस रिजरेक्शन के लिए प्रभु, इस पुनरुत्थान के लिए, इस ईस्टर सील के लिए खुदावन, आपका नाम मुबारक हो, स्तुति हो, बड़ाई हो खुदावन। आपके प्रगटी वचन के लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं प्रभु, हमारे बीच में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद हो प्रभु। मेरी प्रार्थना है तमाम भाई बहन जो यहां पर इकट्ठा हुए हैं प्रभु, और वे तमाम लोग जो इंटरनेट के माध्यम से प्रभु इस सभा को हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु और सुन रहे हैं प्रभु, ना केवल दिल्ली में लेकिन हिंदुस्तान भर में प्रभु, और मैं कहूंगा विश्व भर में खुदावन, जहां जहां लोग बागे संदेश को सुन रहे हैं वो लाभान्वित हो सके। आपका बड़ा शुक्र करते हैं भाई ब्रायन के लिए जिनको आप हमारे बीच में लेके आए प्रभु, और उनकी पत्नी के लिए खुदावन आप बड़ी बरकत दें, भाई एशले को भी खुदावन जो उनके साथ आए प्रभु बड़ी बरकत दें। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह। आपके सामने अपनी कुछ विनती रखता हूं खुदावन, प्रार्थना करता हूं अनुग्रह के लिए खुदावन, भाई अनिल दास जो खादर है उनके बेटे उनकी बेटी के लिए प्रभु, जिसको फीवर ऑफ वीकनेस है संपूर्ण चंगाई दें। सिस्टर सरोज के लिए प्रार्थना करता हूं जो दक्षिणपुरी से आती हैं खुदावन, जिनको लूज मोशन ऑफ वॉमिटिंग है संपूर्ण चंगाई दें। सिस्टर मधु के लिए प्रार्थना करता हूं, भाई धर्मराज की पत्नी के लिए खुदावन जिनको सीवियर पेन है राइट आर्म में खुदावन संपूर्ण चंगाई दें। सैमुअल ड्यूक जो कि भाई बेंजामिन ड्यूक का बेटा है प्रभु, उसको याद करता हूं जिसको फीवर ऑफ वॉमिटिंग है प्रभु संपूर्ण चंगाई दें। ब्रदर दिव्यांश के लिए प्रार्थना करता हूं जो कि भाई मोहित हापुड़ के बेटे हैं खुदावन, जिसको बुखार है संपूर्ण चंगाई दें। सिस्टर चंपा के लिए प्रार्थना करता हूं खुदावन, भाई राजन की मदर के लिए खुदावन जिनको उनकी पूरे शरीर में खुदावन एलर्जी है संपूर्ण चंगाई दें। और भी लोग बाग खुदावन मैं अपने को भी याद करता हूं जबकि लूज मोशन है प्रभु, लेकिन आप संपूर्ण चंगाई दें। मैं आपके भवन में खड़ा हूं खुदावन इस बात को जानते हुए प्रभु कि आपने चंगाई पहले से दे दी, क्योंकि चंगाई एक फिनिश्ड वर्क है खुदावन, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु। यदि और कोई कमजोर या किसी परेशानी में हो खुदावन, उस भाई बहन को संपूर्ण चंगाई दें प्रभु। आप आए अपने वचन से हमसे बातचीत करें प्रभु, हमें आनंद बख्शें प्रभु, ताकि हम आपका धन्यवाद कर सकें प्रभु। ओ खुदावन एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं अपने अजीज पास भाई आशीष के लिए भी खुदावन, जिनको कि आपने अधिकाई से इन दिनों में इस्तेमाल किया हमसे बातचीत करने के लिए प्रभु। ओ खुदावन उन तमाम घटनाओं में होते हुए प्रभु यीशु मसीह मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। पिछले दो दिन जबकि हम बाहर थे खुदावन एक शादी को विटनेस करने के लिए, और क्या भेदों को आपने वहां शेयर किए खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। वो बातें खुदावन जो बयान से परे हैं खुदावन, उन बातों को आपने हमारे बीच में प्रकट किया प्रभु। और कल सुबह और शाम की मीटिंग खुदावन जो पटियाली और काजगंज में भी हुई प्रभु, हम बड़े शुक्रगुजार हैं खुदावन, क्या स्ट्रांग अभिषेक आपने वहां भेजा प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी तारीफ और स्तुति और बड़ाई हो,
आनंद महिमा आपका गाते हुए और बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह, इस पूरे वातावरण को आपके कंट्रोल में देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। उस कोरस को गाएंगे, प्रभु मेरा जीवन आपने कितनी आशीषों से भरा, प्रभु मेरा जीवन आपने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और उठा ऊंचा आपका नाम अधिक, प्रभु मेरा जीवन आपने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, ग्लोरी हालेलुया, ऊंचा आपका नाम अधे, प्रभु मेरा जीव, ओ यस लॉर्ड, अपने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कह हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार, हालेलुया, है मुझे और उठा ऊंचा आपका नाम अधे, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु मेरा जीवन आपने कितनी आशीषों से भरा, हालेलुया। तमाम आशीषों के लिए आइए आज हम सुबह खुदा का धन्यवाद करें, उन बरकतों के लिए जो खुदा ने आपको और मुझे दी है, प्रभु के नाम की तारीफ हो, स्तुति हो, बड़ाई हो, हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं वो खुदाबंद आज हमारे मध्य में यहां मौजूद है, आप विश्वास करते हैं वही खुदाबंद आज यहां मौजूद है। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगानुग हमेशा एक सा है। उसने कहा yet a little while and the world will see me no more but you shall see me for I'll be with you even in you until the consummation and I believe he's here today morning, amen, hallelujah। इस गीत को गाएंगे, गीत का नंबर 246, और किसी बात की बढ़ाई ना करें, यीशु मसीह की सलीब को छोड़, आमीन। और आज हम जानते हैं कैसे नबी को खुदा ने दर्शन दिखाया, वो सुनहरी क्रूस को, और आज हम जानते हैं वो क्रूस आज हमारे लिए बादल है, आज लोगों ने इस बादल को नकारा है, लेकिन आज कुछ है जिन्होंने इस बादल को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया है। बाइबल में लिखा है क्रूस की कहानी नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन आज खुदा का धन्यवाद करते हैं कुछ लोग हैं जिन्होंने उस क्रूस की कहानी को आज अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा है इस बादल के रूप में। प्रभु के नाम की तारीफ हो, खुदा ने हमें उद्धार दिया है इसके द्वारा, हमने प्रभु के चेहरे को देखा है, प्रभु की आमद को देखा है, उस सातवीं मोहर को खुलते हुए देखा है, आमीन, हालेलुया। और किसी बात की बड़ाई ना करें,
यीशु मसीह की सलीब को जो और किसी बात की बड़ा ना करे, यीशु मसीह की सलीब को जो यीशु मसीह की सलीब को जो भाइयो यीशु मसीह की सलीब को जो यीशु हालेलुया जो प्यारे यीशु मसीह की सलीब को जो और किसी बात की बड़ा ना करे, यीशु मसीह की सलीब को जो क्रूस को क्रूस पर चढ़ा या गया तो भी मैं अब तक जीता हूँ, क्रूस को क्रूस पर चढ़ाया गया तो भी मैं अब तक जीता हूँ, तो भी मैं अब तक जीता हूँ प्यारो, तो भी मैं अब तक जीता तो भी मैं अब तक जीता हूँ गायरो, तो भी मैं अब तक जीता हूँ और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की सलीब को जो मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा वो ही मुझ में जीता है, मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा वो ही मुझ में जीता है, वो ही मुझ में जीता प्यारो, वो ही मुझ में जीता वो ही मुझ में जीता है प्यारो, वो ही मुझ में हालेलुया और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की सलीब को जो वो मृतकों से उठाया गया ताकि मैं धर्मी ठहर सकूं, वो मृतकों से उठाया गया ताकि मैं धर्मी ठहर सकूं, ताकि मैं धर्मी ठहर सकूं प्यारो, ताकि मैं धर्मी ठहर ताकि मैं धर्मी ठहर सकूं प्यारो, ताकि मैं धर्मी ठहर सकूं और किसी बात की बड़ाई ना कर, यीशु मसीह की सलीब को जो और किसी बात की बड़ा आमेन हालेलुया, यीशु मसीह की सलीब को जो जब मैं पापी हो ही चुका था, क्रीस्ट मेरे लिए मर गया, जब मैं पापी हो ही चुका था, क्रीस्ट मेरे लिए मर गया, क्रीस्ट मेरे लिए मर गया प्यारो, क्रीस्ट मेरे लिए मर गया क्रीस्ट मेरे लिए हालेलुया ग्लोरी मसीह शरीर में आया पाप पर दंड की आज्ञा दी, यीशु मसीह शरीर में आया पाप पर दंड की आज्ञा दी, पाप पर दंड की आज्ञा दी प्यारो, पाप पर दंड की आज्ञा, पाप पर दंड की आज्ञा दी और
और किसी बात की बड़ाई। हालेलुया मसीह की सलीब को जो और किसी बात। आमेन हालेलुया मसीह की सलीब को जो पाप के लिए अब मृतक हो के क्रीश के लिए मैं जीऊंगा। पाप के लिए अब मृतक हो के क्रीश के लिए मैं जीऊंगा। क्रीश के लिए मैं जीऊंगा प्यारो क्रीश के लिए मैं जीऊंगा। क्रीश के लिए मैं जीऊंगा प्यारो क्रीश के लिए मैं जी। और किसी बात की बड़ा ना करे यीशु मसीह की सली को जो आखिरी याद कहेंगे दाम दे क्रीश ने हमें मोलिया उसकी महिमा प्रकट कर। दाम दे क्रीश ने हमें मोलिया उसकी महिमा प्रकट कर। किसी बात की बड़ा ना करे यीशु मसीह की सली को छोड़ो। किसी बात की बड़ा ना करे यीशु मसीह की सली को छोड़ो। हालेलुया हालेलुया। और किसी बात की बड़ाई नहीं करनी केवल उस क्रूस की जहां प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई हुआ। आज मैं कहूंगा दूसरी दफा आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। नबी ने मैसेज प्रचार किया इंडिक्टमेंट और दोषारोपण। आमेन। आज इस संदेश को जो कि नबी के मार्फत उतर के आया लोगों ने बड़ा पसंद किया। जब नबी के जीवन में पहला और दूसरा खिंचाव चल रहा था उन चंगाइयों को देखकर उन डिसेंटमेंट को देख करके बड़े बड़े लोग बड़े आनंदित और प्रसन्न थे और वो चाहते थे नबी इसी में ही लगे रहे। लेकिन खुदावन का धन्यवाद करते हैं अगर एक मूसा है तो एक यहोशू भी है। और खुदा का धन्यवाद करते हैं यहोशू वाली सेवकाई में होते हुए खुदा ने लैंड को बटवाया। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं नबी के मार्फत खुदावंद एक और खिंचाव लाना चाहते थे जिसे हम तीसरा खिंचाव कहते हैं जहां पर खुदावंद कुछ भेदों को अपनी दुल्हन पर प्रकट करना चाहते थे। उस जमाने में कई लोग थे बड़े मूढ़ लोग थे जो उन भेदों को सुनना नहीं चाहते थे जो केवल चंगाइयों में रहना चाहते थे जो केवल एक हीलिंग रह भाई चाहते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है तब 70 छोड़ के चले गए केवल 12 रह गए। मैं कहूंगा केवल 11 उनमें से एक शैतान भी था। अतः प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम भी चले जाना चाहते हो ना प्रभु हम किसके पास जाएं अनंत जीवन की बात है तो आपके पास है। आज खुदा का धन्यवाद करते हैं वो भेद की बातें जो खुदावंद ने 7 मोहरों के रूप में उन 7 गजनों के शब्दों के रूप में खुदावन ने अपनी दुल्हन पे जाहिर किया है। ये केवल मात्र दुल्हन के लिए है ये एरे गेरे न थू खेरे के लिए नहीं है ये केवल दुल्हन के लिए। और मैं विश्वास करता हूं वो मादा आज यहां मौजूद है उस मार्मिक वचन को उस खुदा के अवधि वचन को पाने के लिए। आइए गीत को और हम गाएंगे इंग्लिश सेक्शन से उस खुदा के प्रेम को याद करते हुए गीत का नंबर 93 द लव ऑफ गॉड। आमेन। The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The
guilty pain, bow down with Cain. God gave His Son to win. His erring child He reconciled and pardoned from His sin. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure, the saints and shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains call. God's love so sure shall still endure, all measureless and strong. Redeeming grace to Adam's reign, the saints and angels song. Oh, love of God, oh, love of God, and strong. It shall forevermore endure, the saints and angels' song. Could we within the ocean fill, and were the sky of parchment made, were every star on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above would drain dry. Nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, hallelujah, rich and pure, how measureless strong. It shall forevermore endure, the saints and they, hallelujah, choose once again. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless saints and angels song. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Don't you like to praise Him today morning? The love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure, the saints and angels song. Amen. Hallelujah. How we are so much indebted with that love that God bestowed upon us. Hallelujah. Amen. Amen.
He himself came down in this age, one foot on the land and one on the sea, and cried with a loud voice, as when a lion roareth. And when he had cried, seven thunders uttered their voices. I believe those voices were for me, for some bride members. Amen. Today morning, hallelujah, hallelujah. Let's praise his holy name. Let's give him thanks and praises. Let's give him glory, for he deserves all glory, honor, and power. Amen. The mighty God, the mighty conqueror. Hallelujah, hallelujah. Praise God, amen. Hallelujah. आप लोग बैठ सकते हैं. अगले आने वाली थर्सडे की फास्टिंग प्रेयर की बारी भाई राजीव के ग्रुप की है, और मैं सोचता हूं कि जो उन लोग से बातचीत करनी थी पहले से हो चुकी है. तो आने वाले थर्सडे याद रखिएगा भाई राजीव के ग्रुप की फास्टिंग प्रेयर बारी है. मैं साथ ही अपने अजीज पास्टर भाई को इनवाइट करना चाहूंगा. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे. गुड टू बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड. बहुत ही भला है कि प्रभु के भवन में हम हैं. वी रियली थैंक गॉड फॉर दिस वंडरफुल डे. अब वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत दिन के लिए, व्हिच ही हैज गिवन टू ऑल ऑफ अस, जो उसने हम सबको दिया है, टू कम इन हिज प्रेजेंस, ताकि हम उनकी मौजूदगी में आ सकें. व्हाट अ प्लेजर टू फेलोशिप अराउंड हिज वर्ड. क्या ही मुबारक समय जब हम उसके वचन के चौगिर्द संगति कर पाए. टुडे वी हैव अ वंडरफुल ब्रदर, इनफैक्ट आवर टू ब्रदर्स विद अस. और खुदा का धन्यवाद हो आज हमारे बीच में दो बहुत ही प्यारे भाई हैं. वी हैव आवर प्रेशियस ब्रदर एशली फ्रॉम बॉम्बे. हमारे बीच में भाई एशली हैं जो कि बॉम्बे से हैं. ब्रदर वी वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं. एंड देन वी हैव आवर प्रेशियस ब्रदर ब्रायन फ्रॉम डर्बन. और हमारे बीच में प्रेशियस ब्रायन भाई ब्रायन है डर्बन से. एंड वी रियली थैंक गॉड फॉर दिस मिनिस्टर ऑफ गॉड. और हम खुदा का वास्तविकता में धन्यवाद करते हैं इस खुदा के सेवक के लिए. इट्स ऑलवेज अ थ्रिल व्हेन वी मीट द मेंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. और बहुत ही आनंद का विषय होता है जब हम खुदा के देह के सदस्यों से मुलाकात करते हैं. यस, द थ्रिल दैट जोसेफ हैड व्हेन ही मेट बेंजामिन. वो वाला आनंद जो यूसुफ के हृदय में था जब उसकी मुलाकात बिन्यामीन से हुई. यू सी द बाइबल सेज ही कुडंट रिफ्रेन हिमसेल्फ. बाइबल में लिखा कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया. दैट्स द सेम थिंग. वही चीज है व्हेन वी मीट आवर ब्रदर्स. जब अपने भाइयों से मुलाकात करते हैं. दैट्स राइट. ये बात सही है. दो ज्योग्राफी सेपरेट्स अस. यद्यपि भूगोल हमें अलग अलग करते हैं. बट वी हैव द सेम किंड्रेड स्पिरिट. लेकिन हमारे पास वही भाईचारे की आत्मा है. एंड सो वी रियली थैंक गॉड फॉर आवर प्रेशियस ब्रदर ब्रायन. सो इसलिए हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं अपने बहुमूल्य भाई ब्रायन के लिए. एंड इट्स माय सिंसियर प्रेयर. और ये मेरी प्रार्थना है ईमानदारी से. एंड मे गॉड यूज आवर ब्रदर्स बॉडी टू टॉक विद अस. काश खुदा हमारे भाई की देह को इस्तेमाल करें हमसे बातचीत करने के लिए. आई बिलीव यू हैव कम हियर हंगरिंग एंड थर्स्टिंग. मैं विश्वास करता हूं कि आप यहां पर भूखे और प्यासे आए हैं. एंड इफ यू हैव दैट थर्स्ट इन योर हार्ट. और अगर आपके हृदय में वो प्यास है. As Brother Branham said, there's a deep calling to the deep. जैसे भाई ब्रैनम बताया कि गहराव है जो गहराव को पुकारता है. You see, आप देखिए. When Simeon came, he came expecting. जब शिमोन आया वो बड़ी अपेक्षा सहित आया भवन में. When Anna came, she came expecting. जब हन्ना आई तो बड़ी अपेक्षा सहित आई. And I believe God is going to meet our expectations today morning. और मैं विश्वास करता हूँ खुदा और हमारी अपेक्षा के हेतु हमसे आज मुलाकात करेंगे सुबह. So blessed be the name of the Lord. So प्रभु का नाम मुबारक हो. And I believe when a brother comes. और मैं विश्वास करता हूँ जब एक भाई आते हैं. Because I believe that same angel that was with the prophet. मैं विश्वास करता हूँ वही दूत जो कि भाई ब्रैनम के साथ थे. Is that same angel who's there with every minister in this body? मैं विश्वास करता हूँ वही दूत हर एक सेवक के साथ होता है जो इस देह में पाया जाता है. So what happens is when a brother comes. So क्या होता है जब एक भाई आता है? That angel and Morpheus behind that body. वो दूत उस देह के पीछे
एंड मॉर्फी हो जाता है. And then the word of God proceeds from that mouth. और फिर खुदा का कलाम उस मुख से निकलता है. I really thank God and I would welcome our brothers. और मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करता हूँ अपने भाइयों को. मैं स्वागत करना चाहता हूँ. Yes, in the name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Amen. And God really bless them. खुदा वास्तविकता में उनको बड़ी बरकत दे. And we had our precious brothers from South Africa in the past. और गुजरे जमाने में खुदावंद हमारे बीच में जनूबी अफ्रीका साउथ अफ्रीका से लोगों को लेके आए, मिस्टर्स को लेके आए. And they have been a blessing for us. और वे हमारे लिए बरकत का बाइस रहे हैं. And we really thank God for that. और हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए. For one more brother from Durban. एक और भाई के लिए डर्बन से. Amen. Amen. If you remember the message. अगर आपको संदेश याद हो. When the angel threw the papers. जब दूत ने कागजों को फेंका. And Brother Branham said, Lord, what is my future? और भाई ब्रैनम ने कहा, प्रभु मेरा भविष्य क्या है? Then the Lord took him to Durban. तब प्रभु उनको डर्बन लेके गए. And he took him to India. और वो इनको हिंदुस्तान लेके गए. Is that right? ये बात सही है. That oscillating light which showed him Bombay. वो oscillating light जिसने कि उन्हें बंबई दिखाया. And India. और हिंदुस्तान दिखाया. And showed him Durban. और उनको डर्बन दिखाया. And I believe that future of that ministry is sitting here. और मैं विश्वास करता हूँ उस सेवकाई का जो भविष्य है आज यहाँ बैठा है. Blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम मुबारक हो. So God's name be praised. I don't want to speak much. खुदा का नाम जलाल पाए. मैं अधिक बोलना नहीं चाहता. But I would definitely like to welcome our brother. लेकिन मैं वास्तविकता में अपने भाई का स्वागत करना चाहूंगा. And all of you brothers and sisters who are here. और आप तमाम भाई बहन जो यहाँ पर हैं. God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दें. बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट्स वी कांट कॉल एवरीवन. और रुकावटों की वजह से हम हर एक को बुला नहीं सकते. सो ऑल दोज हु आर कनेक्टेड विद अस बाय द वे ऑफ द नेट. और वे तमाम लोग जो कि हमारे साथ जुड़े हुए इंटरनेट के माध्यम से. गॉड ब्लेस यू. खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत दें. एंड मे दिस मीटिंग बी अ ब्लेसिंग फॉर यू. और काश ये सभा आपके लिए बरकत का बाइस हो. गॉड ब्लेस यू. लेट्स ऑल स्टैंड. खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत दें. आइए हम लोग सब खड़े होंगे. व्हाइल वी सिंग दैट सॉन्ग दैट द एंजल ऑफ द लॉर्ड लव्ड. जबकि हम उस गीत को गाएंगे जो कि प्रभु के दूत को बड़ा पसंद था. ओनली बिलीव. ओनली बिलीव. एंड दैट्स आवर एंथम इन फैक्ट. और वास्तविकता में ये हमारा राष्ट्रगान है. एंड व्हाइल वी आर सिंगिंग दैट सॉन्ग. और जबकि हम उस गीत को गा रहे हैं. आई विल इनवाइट माय प्रेशियस ब्रदर पास्टर ब्रायन टू प्लीज कम एंड मिनिस्टर द वर्ड. एंड आई विल कॉल ब्रदर निश्चल फॉर ट्रांसलेटिंग इन हिंदी. और मैं अजीज भाई ब्रायन को बुलाना चाहूंगा कि वो आज सुबह हमारे बीच में आए और वचन को व्यक्त करें. और भाई निश्चल को उसके तर्जुमे के लिए. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. That my Lord, I believe. My Jesus is here. My Jesus is here. And things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here.
my Jesus is He. And all things are possible for you, my Jesus is He. God bless you all. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दें. We greet you in the name of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको खुशामदीद कहते हैं. We are honored to be amongst the children of God. और खुदा के बच्चों के बीच में आने के लिए हम बड़ा आदर पाते हैं. Would like to thank God for putting in the heart of the Pastor Ashla. और खुदा का धन्यवाद. और खुदा ने पास्टर आशीष लाल के हृदय में यह बात डाली. That will be a blessing to the children of God this morning. आज सुबह ये खुदा के बच्चों के लिए बरकत का बाइस होगा. May God bless them richly. खुदा उनको काश बहुत ज्यादा बरकत दें. Bless his family. उनके परिवार को बड़ी बरकत दें. Bless the officers of the church. और कलीसिया के जो औधार में रखने वाले लोग हैं उनको बड़ी बरकत दें. Every brother, every sister. हर एक भाई, हर एक बहन को बड़ी बरकत दें. Youth Sunday school. और जवानों को और संडे स्कूल के लोगों को. May God abundantly bless you all. काश खुदा बहुत आयत से आपको बड़ी बरकत दें. This morning we are humbled and honored. आज सुबह हम बड़े कृतम हैं और बड़े ही आदर को महसूस करते हैं. That you are not bringing a message from Durban. कि हम एक संदेश डरबन से नहीं ला रहे. Neither are we bringing a message from America. ना ही हम कोई संदेश अमेरिका से ला रहे हैं. But it's a message of God from the seventh dimension. लेकिन ये खुदावन का संदेश है जो कि सीधे सातवें अयाम से आता है. I believe that God is uniting the bride. मैं विश्वास करता हूँ खुदावन दुल्हन को एकत्रित कर रहे हैं. God is maturing the bride. और दुल्हन को परिपक्व कर रहे हैं. Preparing us for a great takeoff. और हमको तैयार कर रहे हैं एक महान उड़ान के लिए. May just God keep us within the confines of His word. काश खुदा ने अपने वचन के दायरे में हमें बना के रखें. And just live a humble, simple Christian life. और एक बहुत ही दीन और नम्र वाले मसीह जीवन को हम व्यतीत कर पाएं. God will do the rest. बाकी काम खुदावन करेंगे. So we've been treated very well and welcomed very warmly. We are thankful for that as well. और हम खुदा का वास्तविक नाम धन्यवाद करते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा warm welcome किया गया है. All the efforts that have gone behind scenes, may God abundantly bless you. और जो दृश्य के पीछे तमाम मेहनतें हुई हैं, खुदा सबको बड़ी बरकत दें. So without much ado, may you just go straight to the word of the living God. इसलिए हम सीधे खुदा के कलाम में चलेंगे. I don't regard myself much of a preacher. मैं अपने आप को अधिक एक प्रचारक नहीं समझता. Amen. We're just pilgrims passing by this mother earth. लेकिन हम मुसाफिर हैं जो कि इस पृथ्वी में से होके गुजर रहे हैं. Amen. Just putting a little effort that God has put in our hearts. और जो थोड़ी सी खुदा ने हमारे बात दिल में डाली है, उस मेहनत को हम लेके आते हैं. The greatest amongst us is the Lord Jesus Christ. सबसे महान हमारे बीच में है वो प्रभु यीशु मसीह हैं. Hallelujah. Hallelujah. May we bow our heads before we read the scriptures. आइए हम अपने सरों को झुकाएं इससे पहले कि हम वचन को पढ़ें. Father, in the name of the Lord Jesus. पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में. We humbly come before your presence, O God. हम प्रभु आपकी मौजूदगी में बड़े दीनता से आते हैं. It is never the doing of man. ये कभी किसी इंसान की करनी नहीं होती प्रभु. We have never called ourselves, O God. हमने कभी अपने आप को नहीं बुलाया प्रभु. We couldn't even help ourselves, my loving King. ओ मेरे प्यारे राजा, हम अपनी कभी मदद भी नहीं कर सकते थे. You had to come down and become flesh, O God. ओ खुदा, आपको नीचे आना पड़ा प्रभु ताकि आप शरीर बने. So you can make a way back to you, my Lord. ताकि हमारे लिए रास्ता वापस तैयार करें कि हम प्रभु के पास जा सकें. Thank you for Gethsemane, O God. ओ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं गतसमनी के लिए. Thank you for Golgotha, my loving King. ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, गोलगोथा के लिए धन्यवाद. Thank you for the upper room experience, O God. प्रभु धन्यवाद करते हैं उस फ्रॉटी कोठरी के अनुभव के लिए. Thank you for descending in the end time, Father God. ओ खुदा, अंत समय में निश्चय करने के लिए आपका धन्यवाद हो. Opening the word to us, loving King. ओ प्यारे राजा, हमारे बीच में वचन को खोल दें. This morning we believe, O God. आज सुबह हम विश्वास करते हैं प्रभु. We're gonna have a glorious time in your word, O God. आपके वचन में महिमा युक्त समय गुजारेंगे. Bless us, my loving King. मेरे प्यारे राजा, बड़ी हमें बरकत दें. We know your word is the designer of the thoughts of Jehovah. ओ प्रभु, हम जानते हैं आपका जो वचन है प्रभु हृदय की बातों को जांचता है. Supplier of our needs, O God. आप हमारे जरूरतों के खुदावन मुहैया करने वाले हैं. Prophet taught us you are the God of audience, O loving Savior. ओ खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. नबी ने सिखाया कि आप श्रोता गणों के खुदा हैं. Minister might not know the desire of the people.
जो सेवक है वो शायद लोगों की इच्छा को ना जानता हो But you know everyone, my loving Savior. लेकिन आप हर एक को जानते हैं प्रभु I pray move me one side this morning. मैं प्रार्थना करता हूं मुझे एक तरफ कर दें आज सुबह And speak to your people, oh God. और अपने लोगों से बातचीत करें प्रभु As we are about to read your holy word, जबकि हम तैयार हैं खुदावन्द आपके पवित्र वचन को पढ़ने के In Jesus Christ's name, हमारी बरकतों को हमें हृदयों को बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमेन आमेन May we pick up the book of Genesis chapter 1. आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय. The very first verse. सबसे पहली आयत. Appreciate my brother next to me. Eh? Yeah. God bless his heart. Amen. God bless you, brother. Hallelujah. And then verse 1. पहली आयत. Start reading. In the beginning, God created the heavens and the earth. आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Prithvi bedol aur sunsan padi thi aur gehre jal ke upar andhiyara tha. And the spirit of God moved upon the face of the waters. Aur Khuda ka atma jal ke upar mandrata tha. And God said, "Let there be light," and there was light. Aur Khuda ne kaha ujala ho to ujala ho gaya. And God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. Aur Khuda ne ujale ko dekha ki acha hai aur Khuda ne ujale ko andhiyare se alag kiya. And God called light day and darkness he called night. Aur Khuda ne ujale ko din ka aur andhiyare ko raat kaha. The evening and the morning were the first day. तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार पहला दिन हो गया God be blessed. खुदा का नाम मुबारक हो You may take the comfort of your seats. आप अपनी जगहों को में बैठ सकते हैं By the grace of God this morning खुदा के अनुग्रह से आज सुबह would like to take a thought on God's divine nature. हम एक विचार को लेना चाहेंगे खुदा का दैव्य स्वभाव. Blessed be the name of the Lord. खुदा का नाम मुबारक हो. You know when I look into the scriptures. आप देखिए जब हम वचन में देखते हैं. Particularly this verse that we have read. खासतौर से ये आयत जो इसको हमने पढ़ा है. The Bible says in the beginning God created the heavens and the earth. बाइबल लिखा है आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. I believe that that was love of God being projected. मैं विश्वास करता हूँ ये खुदावन का प्रेम है जो कि प्रकट किया गया. Allow me to say, love created the heavens and the earth. मुझे अलाउ करें कि मैं कहूँ कि प्रेम ने विवश किया कि वो आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कर. Before God can speak the word rhema. इससे पहले खुदावन वचन को बोले रीमा को. The spirit of the Lord came down and did some preparation. खुदा की आत्मा नीचे आई उसने कुछ तैयारियों को करा. As a dove cooing. जैसे कि एक फाकता कू करती है God making love खुदावन प्रेम करते हुए a humble loving God एक बहुत ही कृतम दीन प्रेम करते हुए खुदा a gentle holy righteous God एक बहुत ही जेंटल पवित्र और धर्मी खुदा blessed be the name of the Lord प्रभु का नाम मुबारक हो and when God was creating the earth और जब खुदा पृथ्वी की सृष्टि कर रहे थे he never borrowed any material from anywhere else उसने कहीं से कोई चीज बोरो नहीं करी He was not competing with any god. वो किसी और खुदा के साथ कंपीट नहीं कर रहे थे. It was the heart of God full of love. ये खुदा का हृदय था जो प्रेम से भरा हुआ था. God was impregnated within himself. खुदावन स्वयं गर्भधारण में थे. He wanted to express himself. वो अपने आप को प्रकट करना चाहते थे. And he came down and started preparing the situation. और वो नीचे उतर के आया और उन चीजों को तैयार करना शुरू किया. The spoken word was spoken under the conditions of love. और जो मुंह से बोले गए शब्द वो एक परिस्थिति में होके बोले गए वो परिस्थिति थी प्रेम की. All that was within. जो कुछ अंदर था. You wanted to express it. वो उसको प्रकट करना चाहते थे. So we start realizing God started therefore now speaking the word. So अब खुदा ने इस बात को ध्यान में रखते हुए वचन को बोलना शुरू किया. And he saw his word coming to pass. और उसने अपने वचन को सामने घटते हुए देखा. He believed in his own words. उसने अपने ही वचन पे विश्वास किया. God saw his own word manifested. खुदा ने अपने ही कलाम को देदारी होते हुए देखा. God was so pleased. खुदा इतने ज्यादा खुश हुए. By looking at what was within him. उस बात को देखते हुए जो कुछ उसके अंदर था materialized before him अब उसके सामने पदार्थित हो रहा था and everything happens और हर एक चीज जो घटती है under a certain atmosphere एक खास वातावरण के तहत if he's a holy god अगर ये पवित्र खुदा है holiness descended upon genesis तो पवित्रता जो थी वो उत्पत्ति में नीचे उतर के आया if he's a loving god और ये अगर प्रेमी खुदा है love descended in genesis तो उत्पत्ति में प्रेम नीचे उतर के आया these are the conditions my brother my sister ये हैं वो परिस्थितियां मेरे भाई मेरी बहन where the world was created जहां वचन सृष्टि हुआ नॉट अंडर बिटरनेस कड़वाई के नीचे नहीं नॉट अंडर फाइटिंग्स लड़ाइयों के नीचे नहीं नॉट अंडर स्क्यूइंग एक दूसरे के साथ झगड़ने में नहीं no one to fight with कोई था ही नहीं लड़ने के लिए द ग्रेट फाउंटेन ऑफ लाइफ
जो महान सोता है जीवन का, the great fountain of purity, और शुद्धता का जो बड़ा सोता है, the self-existing one, वो जो जिसका वजूद स्वयं है, वो he wanted to show his love, वो अपने प्रेम को दर्शाना चाहते थे, and brother, sister, और मेरे भाई मेरी बहन, the whole creation, पूरी की पूरी सृष्टि, is an expression of God's thoughts, वो खुदा के विचार का प्रकटीकरण है, if God is holy, अगर खुदावंत पवित्र, his thoughts are holy, उसके विचार पवित्र है, blessed be the name of the Lord, प्रभु का नाम मुबारक हो, so we are realizing, you are learning something, तो हम इस बात को पहचान रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, that God Almighty, वो महान सर्वशक्तिमान खुदा, started with love, उसने प्रेम के साथ चालू किया, let me invite you in the book of 1 John chapter 4, मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ पहला यूहन्ना उसके चौथे अध्याय में, let's go and read right there by the grace, आइए खुदा के अनुग्रह से जाके उसको पढ़ते हैं, oh we love the word, हम खुदा के वचन से बड़ा प्रेम करते हैं, blessed be the name of the Lord, प्रभु का नाम मुबारक हो, and here he is addressing the beloved, और यहाँ पर वो संबोधित कर रहा है प्रियों को, beginning from verse 1, पहली आयत से पढ़ते हुए, he says, beloved, believe not every spirit, but try the spirit, whether they are of God, because many false prophets have gone into the world, whereby know ye the spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ is come in flesh is of God. हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वे खुदावंत की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। खुदा का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वो खुदा की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो खुदा की ओर से नहीं, और वही तो मसीह का विरोधी की आत्मा है। And every spirit that confesses not that Jesus Christ has come in flesh is not of God, and this is that spirit of Antichrist whereby ye have heard that it should come, and even is already in the world. और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती कि वो शरीर में होकर के आया है वो खुदा की ओर से नहीं, और वही तो मसीह का विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुमने सुन चुके हो कि आने वाला है और अब जगत में है। God is addressing the beloved. खुदावंत प्रियों को संबोधित कर रहे हैं। Showing us the spirit that is already operating in the world, और वो दिखा रहे हैं वो आत्मा जो पहले से चल रही है पृथ्वी में, but now he continues on addressing us as the beloved, और लेकिन वो हमारी ओर संबोधित होकर कह रहे हैं तुम जो प्रिय हो। We must always remember, brothers, मेरे भाइयों, हमें हमेशा याद रखना है, children of God are priority to God, खुदा के बच्चे खुदावंत के लिए एक प्रायोरिटी हैं। God loves his children. खुदावंत अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। We are part of his economy. हम उसकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। God loves us so much. खुदावंत हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं। That he has inscribed our names in the palm of his hands. कि उसने हमारे नामों को अपने हाथ में हथेली में खोद रखा है। He said before we even call, he shall answer. उसने कहा इससे पहले कि हम दुआ भी करें वो हमें जवाब दे देते हैं। We are so close to the heart of God. हम खुदा के हृदय के इतने करीब हैं। We are here in a love affair with the Creator. और हम सृष्टिकर्ता के प्रेम को एंजॉय करते हैं। We are not serving God this morning because we are afraid of hell. हम खुदा की सेवा आज सुबह इसलिए नहीं कर रहे कि हम नरक से डरते हैं। We are not afraid of demons. हम दुष्टात्माओं से नहीं डरते। This whole thing is a love unfolding. Sorry? Love unfolding. यह है प्रेम जो खुल के आ रहा है। God loving his children. खुदा अपने बच्चों से प्रेम करे। And his children loving God. और खुदा के बच्चे खुदा से प्रेम। It's a family affair. ये एक पारिवारिक मामला है। That's why the world can't understand us. इसलिए संसार हमें समझ नहीं सकता। That's why the world can't receive us. इसलिए संसार हमें ग्रहण नहीं कर सकता। Because it never knew the Father. क्योंकि उसने कभी पिता को जाना नहीं। It never knew Jesus. उसने कभी यीशु को जाना नहीं। Surely it won't know us. और इसलिए पक्की तौर से हमें भी नहीं जानेंगे। Because we come from the same fountain. क्योंकि हम उसी स्रोत से निकल के आ रहे हैं। We come from a fountain of love. हम प्रेम के स्रोत से आ रहे हैं। That's why all the children of God. इसलिए खुदा के तमाम बच्चे। Genuine sons and daughters of God. वास्तविक खुदा के बेटे और बेटियां। Wherever you meet them around the world. जहां कभी आप उनसे मुलाकात करें। Something fundamental about them. वो चीज़ fundamental उनके बारे में। They are full of love. वो पूरे प्रेम से भरे हुए हैं। They are oozing with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा उनके अंदर से निकलता है। They are oozing with the nature of God. खुदा का जो स्वभाव उनके अंदर से उमड़ता है। It's not something you can buy. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप खरीद सकते हैं। It's not something you can act. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप बनावट कर सकते हैं। ये केवल वहाँ होती है। It's automatically projected. ये अपने आप अंदर से बाहर निकल के आती है। Can someone say praise the Lord? क्या कोई कह सकता है praise the Lord? So here we are in a love affair. So यहाँ पर है एक प्रेम का मामला। Oh, may God help us. So खुदा हमारी मदद करें। He continues on here in verse 4. हम चौथी आयत में आगे बढ़ते हैं। It says, "Ye are of God, little children, and have overcome the world, because greater is He that is in you than the one in the world." Glory! हे मालको, तुम खुदा के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि वो जो तुम में है उससे जो संसार में है बड़ा है। Our God, हमारा खुदा, is a slayer of giants. वो दानवों को मारने वाला है।
greater is he महान है वो that created the world जिसने संसार की सृष्टि in us हमारे अंदर than the one in the world जो कि संसार में पाया जाता उससे fear not little flock छोटे झुंड डर मत is the father's will ये पिता की इच्छा है to give you the kingdom कि तुम्हें राज दे oh little bride ओ छोटी दुल्हन don't be disturbed ओ विचलित ना हो don't be moved हिले नहीं don't be shaken अंदर से हिलना चाहिए God's heart ये खुदा का हृदय है जो कि आपकी इच्छा कर रहा है the best कि आप सबसे बढ़िया एंजॉय करें you want us to prosper वो चाहते हैं कि आप खुशहाल हो health स्वास्थ्य में you want us to prosper वो चाहते हैं कि आप prosper करें in every category of our life अपने जीवन के हर एक श्रेणी में so this morning so it's सुबह let's release our faith आइए अपने विश्वास को छोड़ें let's just receive more from him आइए और अधिक से उनसे प्राप्त करें he is the author of life और वो जीवन के कर्ता है he is the fountain of love वो प्रेम के सोते हैं all we need जो कुछ हमें चाहिए is in him वो सब कुछ उसमें है we don't need anything else हमें कुछ और नहीं चाहिए outside him उसके बाहर he is the alpha वो अल्फा The beginning, जो आरंभ है, He is the Omega, वो ओमेगा है, He is the end, वो ही अंत है, the good work, जो भला काम, He started in you, जो उसने आप में शुरू किया, more than able, वो योग्य से बढ़कर है, finish the work, ताकि काम को समाप्त करे, nothing will disturb, कोई भी विचलित नहीं करे, the program of God, खुदा की योजना को, about our lives, हमारे जीवन को लेकर के, oh blessed be the name, oh खुदा का नाम मुबारक हो, another doctor said something. Sorry? Another doctor says something. अगर कोई डॉक्टर कुछ कहे, brother Branham, I've realized. I didn't direct the food. Okay, he said the doctor said to brother Branham, I've realized that the greatest are a power on earth. और एक डॉक्टर ने भाई ब्रांस से कहा सबसे बड़ी सामर्थ्य जो पृथ्वी पर पाई जाती है इज नॉट द एटॉमिक बॉम्ब्स कोई एटॉमिक बम नहीं है He says is the get a believer connected with his maker और उन्होंने कहा वो ये है कि एक विश्वासी को उसके कर्ता के साथ मिला दे brother ओ मेरे भाई brother मेरे भाई you talk about power आप बात कर रहे हैं सामर्थ्य you talk about power आप बात कर रहे हैं सामर्थ्य that's the real power ये वास्तविक सामर्थ्य है believer एक विश्वासी connected with his maker अपने कर्ता के साथ जुड़े हुए blessed be the name of the lord प्रभु का नाम मुबारक हो oh we love the atmosphere this morning oh हम आज के वातावरण से बड़ा अच्छा लगता है हम आज सुबह बड़ा अच्छा लगता है praise the lord आइए कहें खुदावंत की तारीफ हो hallelujah hallelujah Let's read further the scripture here. आइए वचन को हम आगे पढ़ते हैं. Oh, glorious God. Oh, महिमा यह खुदावंद. Wonderful Savior. अद्भुत बचाने वाले. First five, the Bible says. बाइबल का पांचवी आयत में. They are of the world, therefore they speak of the world, and the world heareth them. वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं, और संसार उनकी सुनता है. We are of God. हम खुदा के हैं. He that knoweth God. वो जो खुदा को जानता है. Heareth us. वो हमारी सुनता है He that is not of God, जो खुदा उनकी ओर को नहीं Heareth us not, हमको सुनता नहीं whereby we know the spirit of error and the spirit of truth. इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचानते हैं Listen verse 7 सातवीं आयत को ध्यान से सुनो Beloved, हे प्रियो, let us love one another. आइए हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखें For love is of God. क्योंकि प्रेम खुदा से है And everyone that loveth और हर एक जो प्रेम करता है born of God, वो खुदा से जन्मा है And knoweth God. और खुदा को जानता है He that loveth not, वो जो प्रेम नहीं रखता नो इज नॉट गॉड वो खुदा को जानता नहीं For God is love. क्योंकि खुदा प्रेम है Oh, believers. Oh, विश्वासियों. God is not a book. खुदावंत कोई किताब नहीं है God is not a doctrine. खुदावंत कोई शिक्षा नहीं God is not a teaching. खुदावंत कोई शिक्षा नहीं God is not a system. खुदावंत कोई तंत्र नहीं God is love. खुदा प्रेम है If we have love, अगर हमारे पास प्रेम है, we found God. हमने खुदा को पा लिया. If we have love, अगर हमारे पास प्रेम है, we are in God. हम खुदा में हैं. If we have love, अगर आपके पास प्रेम है, we are the children of God. हम खुदा के बच्चे हैं. Because the Bible says, बाइबल बताती है, he that doesn't have love, वो जिसके पास प्रेम नहीं, has not met God. उसकी मुलाकात खुदा से नहीं हुई. Does not know God. उसे खुदा को जाना नहीं. Because God is love. क्योंकि खुदा प्रेम है. His whole nature. उसका संपूर्ण स्वभाव is a loving nature. वो एक प्रेमी स्वभाव is a caring nature. वो एक caring nature है. So today this morning, आज सुबह, as we're speaking about God's divine nature, आइए हम खुदा के we are speaking about the divine स्वभाव के बारे में बताएं. खुदा के दैवीय प्रेम के बारे में बातचीत करें. That nature of God. वो खुदा का स्वभाव. If you look at the message guide, अगर आप उस संदेश को सुनें, Brother Branham said, guide, भाई ब्रैनम का. One of the reasons for the opening of the word, वचन के खुलने का एक कारण. For the coming of the seals, इस मोहरों का आने का. He says is to know who God is. इसलिए ताकि हम जाने खुदा Where he is, वो कहां पर है his nature, उसका स्वभाव his being, उसका संपूर्ण being,
Yes. Yeah. So God, when God opened the seals, so जब खुदा ने मोहरों खोला, He was showing forth His nature. वो अपने स्वभाव को दिखा रहे थे. When we say the word is open to us, हम कहते हैं कि वचन हम पर खुल गया. We don't just see Jesus opening the seal. हम केवल यीशु मसीह का मोहर खोल देते हैं. We see the bride identified right there. हम देखते हैं कैसे दुल्हन बनी पहचान मसीह की देती है. We see our image ourselves there. हम अपने स्वरूप को वापस देख पाते हैं. And brother, sister, मेरे भाई मेरी बहन, we are supposed to emulate Christ. और जरूरी है कि हम खुदा को, we are supposed to be loving like Jesus. हमें जरूरी है कि हम यीशु समान प्रेम करें. As He shows forth His nature, जैसे वो अपने स्वभाव को दिखाते हैं. Demonstrating. वो इसको डेमोंस्ट्रेट करते हैं. That's the nature a believer must have. ये है एक विश्वासी का स्वभाव होना चाहिए. Somebody say praise the Lord. कोई कहे praise the Lord. Somebody say praise the Lord. कोई कहे praise the Lord. Brother, sister. मेरे भाई मेरी बहन. I want to read a very wonderful quotation. मैं आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत touches my heart चाहता हूँ जो मेरे हृदय को छूता है. Love projects. क्या प्रेम निकलता उमड़ता है. Oh, may God help us. काश खुदा ना हमें मदद. May really God grant us grace. काश खुदा वास्तविकता में अनुग्रह दें. My. Gonna read a few quotations. You bear with me. मेरे साथ प्लीज बेयर करें. मैं आपके सामने कुछ हवाले पढ़ूंगा. We can set this thought right on the quotes and scriptures here. ताकि हम इस विचार को सीधे हवालों के साथ मिला सकें. It starts by the song that the believers were singing earlier on. One of my favorite, the love of God. और वो उस गीत के साथ शुरू करते हैं जो कि मेरा भी फेवरेट गाना है, the love of God. He says to write the love of God will drain the ocean dry. वो कह रहे हैं song. गीत में लिखा है कि खुदा का प्रेम बखान करने से बखान किया जाए तो पूरा समुद्र सूख जाएगा. Then he says this. तब वो ये कहते हैं. And I think one of the thing is needed in the great universal church of God tonight. और ने कहा कि आज रात्रि जो सबसे महान चीज खुदा की आलमगीर कलीसिया को चाहिए वो ये है. Is love. वो प्रेम है. He says we do not need other things as much as we think we do. हमें बाकी चीजें जिसके बारे में हम सोचते हैं हमें चाहिए वो उसकी जरूरत नहीं है. All these other things, ये तमाम बाकी चीजें, our emotions, our gifts, and they are all wonderful. ये हमारे तमाम हाव भाव ये सब बहुत बढ़िया हैं. God, we give praise. और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं. Because we know anything that is dead without emotion, you know we bury it. और कोई भी चीज, so we know in the message we have well balanced. There's a middle of the road in everything. हर एक चीज में एक बीच का मार्ग होता है. Then he says this. तब वो इस बात को कहते हैं. He says, but if those gifts are not governed by love, they are not effective. उन्हें कहा अगर वो वरदान प्रेम के द्वारा संचालित ना हो तो ये सही नहीं है. Are we catching this, believers? क्या इस बात को पकड़ पा रहे मेरे विश्वासी? Everything else is wonderful and beautiful. हर एक और चीज़ है सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया है. But unless it's propelled by love. लेकिन जब तक कि वो तमाम चीज़ें प्रेम से द्वारा संचालित ना हो. Is backed up by love. और ये प्रेम के द्वारा बैकअप ना की जाए. It's not going to be effective. तो वो असरदार नहीं हो सकती. Let's go further. आइए आगे चलते हैं. Love should govern the home. प्रेम घर में संचालित होना चाहिए. And love is the greatest force that ever was put in the power of man. और प्रेम सबसे बढ़िया बल था जो कि इंसानी जाति में डाला गया. A home that's not disciplined by love is not much of a home. और एक घर जो कि प्रेम के द्वारा संचालित नहीं चलता होता वो सही घर नहीं होता. If the husband and the wife don't solemnly love one another each other. और अगर पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम ना करें, trust each other, एक दूसरे पर भरोसा ना कर पाए, that's why I think that instead of resting our faith on some emotion which is all right or some gift which is all right like shouting, speaking in tongues or with other things that we say that we have the Holy Spirit. और वो कह रहे हैं कि ये तमाम बाकी और चीजें, हमारी भावनाएं, हमारी अनुभूतियां, ये तमाम चीजें सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर प्रेम ना हो तो इन सब चीजों कोई फायदा नहीं. We do this. हम इसको करते हैं. Those things are all right. ये सब चीजें ठीक हैं. But if you would come back to the principle of love first. लेकिन अगर हम सबसे पहले प्रेम के सिद्धांत पे पहुंचें. Can you say amen, believers? क्या विश्वासी आप आमीन कह सकते हैं? Remember this. इस बात को याद रखिए. When God was creating. जब खुदा सृष्टि कर रहे थे. Love was creating. तो प्रेम सृष्टि कर रहा था. Along the way. मार्ग में. When Adam fell, जब आदम गिर गया. He fell from that divine love of God. वो खुदा के उस दैव्य प्रेम से गिर गया. He never fell in the choir. He never fell in the choir singing. वो कभी भी उस गाने गाने में नहीं गिर गया. He never fell in the church. वो चर्च में नहीं गिरा. He never fell anywhere else. कहीं और नहीं गिरा. He fell in that pure divine love of God. उस खुदा के शुद्ध दैव्य प्रेम में गिर गया. Because Adam was having control in all the creation. क्योंकि आदम पूरे सृष्टि को संचालित कर रहा था. With a connection that he had, divine connection with God.
उस दैव्य कनेक्शन के साथ जो उसके पास खुदा के साथ था. Everything else was still around. सब कुछ बाकी चीजें अभी भी मौजूद थी. Lost that connection. लेकिन उसने उस कनेक्शन को खो दिया. Everything became chaotic. और हर एक चीज गड़बड़ी में चली गई. Praise be to God. लेकिन खुदा का धन्यवाद. In the end time. अंत के समय में. He has brought back what Adam has lost. वो वापस लेके आ गए उस बात को जो आदम ने खो दिया. We have been reconnected back to the source of love. हम वापस दोबारा से जुड़ गए उस प्रेम के स्रोत के साथ. Now we can really worship God. हम वास्तविकता में अब हम खुदा की उपासना कर सकते हैं. Now we can really praise God. अब वास्तविकता खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं. Now we can prophesy. अब हम नबूवत कर सकते हैं. Now we can preach the gospel. अब हम और बाकी चीजें हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा आधार वो है दैव्य प्रेम. As the prophet says this, जैसे नबी कहते हैं. Let me read further here. आप में आइए मैं आगे पढ़ता हूँ. Love first. उन्हें कहा पहले है प्रेम. And then those other things. और बाकी चीजें बाद में. He said, I think our church would progress a lot faster. उन्हें कहा कि मैं सोचता हूं कि हमारी कलीसिया और अधिक तेज गति से आगे प्रगति करेगी. We are given a secret here, brother, sister. मेरे भाइयों बहनों यहां पर हमें एक भेद दिया था. Progression, our advancement is based upon love for one another. हमारी प्रगति हमारा आगे बढ़ना एक दूसरे के साथ प्रेम पे आधारित है. Nothing will ever beat that divine love for one another. कभी भी कोई चीज हमें हरा नहीं सकती उस दैव्य प्रेम को छोड़ करके. And what I believe is set up of a church or amongst us as believers. What I believe is set up amongst us. जो इस बात पे मैं विश्वास करता हूं एक कलीसाई तौर पे होने के नाते. As believers, विश्वासी होने के नाते. God is giving us an opportunity to practice with one another. ताकि खुदा ने हमें मौका देना है कि हम इस चीज को एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर सकें. When the Bible rises, how can we love God we have not seen? How can we love God that we have not seen? हम कैसे खुदा से प्रेम कर सकते हैं जिसको कि हमने देखा नहीं. अगर देखे भाई से प्रेम ना करें. So God is giving us a practice. तो खुदावंद हमें एक प्रैक्टिस दे रहे हैं. Oh my, let me just take this for a while. David says in the scriptures. दाऊद कहता है वचन में. He says, "Thy loving kindness is better than life itself." उसने कहा कि आपकी जो शफकत है वो बढ़ करके है इस संसार में किसी और चीज से. So this life is not worth living. So ये जो जीवन है ये वर्ष जीने का नहीं है. Unless we catch the theme of love. जब तक कि हम उस प्रेम के आधार को पकड़ ना लें. The way the prophet even typifies it. यहां तक कि नबी इस बात को says the whole Bible is a book of love. ये पूरी की पूरी बाइबल एक प्रेम की कथा है. Blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम मुबारक. So we start seeing, my brother, my sister. So हम देखने लगते हैं मेरे भाई मेरी बहन. That the love of God is key, is the key cornerstone. प्रभु का जो खुदा का जो प्रेम है वो ही कुंजी है वो मुख्य आधार है. एंड द वेरी की कॉर्नरस्टोन और सबसे मुख्य जो की कॉर्नरस्टोन है हैज कम बैक एंड बिकम द वेरी कैपस्टोन टू कीप द चर्च और वही आज आया इस युग में ताकि कलीसिया के ऊपर चोटी का पत्थर बन जाए. सो लव इज आवर फाउंडेशन. सो प्रेम हमारी नेव है. आवर हेडशिप इज लव और हमारा चोटी का पत्थर वो प्रेम है. मेरे भाई ऑल दीस अदर थिंग्स इन बिटवीन दे आर वंडरफुल. ये तमाम बीच वाली चीजें जो ये बहुत अद्भुत हैं. But the mystery of love, लेकिन प्रेम का भेद, should permeate in every believer's heart. हर एक विश्वासी के हृदय में पैवस्त हो जाए. Everything we do, हर एक चीज जो हम करते हैं, must be based on a foundation of love. वो प्रेम के पे आधारित होना चाहिए. The prophet says sometimes we've got these hard cold criminals out there. नबी कहते हैं कई बार आप पाते हैं कि बड़े ही कटु और क्रूर वहाँ पर अपराधी होते हैं. It's because they lack love from home. Sorry, because they lack love from home. You know, love. उन्होंने वो इसलिए अपराधी बनते हैं क्योंकि घर से प्रेम हट जाता है. Exactly right. That's why then in this quotation it says, if love is home is not governed by love, it's not much of a home. और इसलिए अभी इस कोट में हवाले में कह रहे हैं कि अगर घर में अधिक में प्रेम ना पाया जाता है तो वो घर घर कहलाने लायक नहीं है. Atmosphere of love should be in every home of every believer. एक प्रेम का वातावरण हर एक विश्वासी घर में घराने में पाया जाना चाहिए. If you look at it very well, अगर आप इसको भली भांति देखें, the token was not applied in the church. जो चिन्ह था वो चर्च में नहीं लगाया जाता था. In Egypt, मिस्र में, the token was applied at home. जो चिन्ह था वो घर में लगाया जाता था. The lamb was slain at home. मेमना घर में मारा जाता था. The word was supposed to be observed at home. वचन जो है वो घर में और जो मेमना वो घर में मारा जाता था. Principles of the word are supposed to be observed at home. और जो वचन के सिद्धांत है उनको जरूरी था कि वो घर में ऑब्जर्व किए जाएं. Children must see mom and daddy love one another so much. बच्चों को देखना चाहिए कि माँ बाप आपस में इतना प्रेम करते हैं. No matter what challenge, चाहे कोई भी चुनौती आए, they must know that at home we believe in prayer. उनको मालूम है घर में प्रार्थना, घर प्रार्थना में विश्वास करता है. Children must grow up knowing that at home Christ is the principal theme of our home. और बच्चों को जब हम पढ़ते हैं उनको यह मालूम होना चाहिए कि मसी हमारे घर का परम आधार है. Children must know, बच्चों को जानना चाहिए before we can call a doctor,
इससे पहले कि हम डॉक्टर को बुलाएं, we call Dr. Jesus. हम डॉक्टर यीशु को पहले बुलाएं. Before we can call any nations, इससे पहले कि हम किसी और चीज को बुलाएं, we start calling on Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह को बुलाने लगे. Children must know, बच्चों को ये जानना चाहिए, that when they come to church, कि जब हम चर्च में आए, we are bringing a ball of fire. हम एक आग का गोला ला रहे हैं. That is already kindled at home. क्योंकि पहले से घर में प्रज्वलित हो चुकी है. We are coming amongst believers. हम विश्वासियों के बीच में आ रहे हैं. Contribute with our love atmosphere. ताकि हम अपने प्रेम के एटमॉस्फेयर को कंट्रीब्यूट कर सकें. We are not going to find warmth in church. हमें चर्च में गर्मी नहीं मिलेगी. We are bringing fire from home to church. हम घर से आग को लेके आते हैं चर्च में. And if you can all approach church that way. और अगर सब के सब इसी प्रकार से चर्च पहुंचें. Church will be more glorious than it is. तो कलीसिया और ज्यादा प्रज्वलित होगी. We will not be laying hands upon the sick. तब हम बीमारों पे हाथ नहीं रखेंगे. I believe the atmosphere of love. मेरा विश्वास करता हूँ जो atmosphere है प्रेम का. Can heal every sickness amongst us. हमारे बीच में बीमारों को चंगा रख सकता है. In fact, the prophet says this. और सही बात तो ये नबी ने कहा. God heals through music. खुदावन संगीत के द्वारा चंगाई देता है. He heals through preaching. वो प्रचार के द्वारा चंगाई देता है. He heals through medicine. वो medicine के द्वारा heal करते हैं. Through love. वो प्रेम के द्वारा चंगाई देता है. Love is also part of healing. तो प्रेम भी चंगाई का हिस्सा है. Somebody say praise the Lord. कोई कहे praise the Lord. This God that we have is a loving God. It's खुदा जिसके हम बात कर रहे हैं, प्रेम खुदा है. Imagine one day he was so much mindful of a little mama opossum, the animal. और वो खुदा का प्रेम इस बात में दर्शाया जाता है कि खुदावन भी कितने ज़्यादा उस opossum, जो माँ opossum है, जो मर रही थी, उसको लिए कितने खुदावन के अंदर प्रेम था. God did it purposely. खुदावन, sorry. God did it purposely. खुदावन ने इसको जानबूझ के किया. The prophet saw this little thing and thought, "Oh, let me take a gun and spare the life and just shoot this whole thing." नबी ने जब उसकी ओर देखा कि ये मर रही है, तो मैं बंदूक उठाऊं उसको गोली मार दूं. Rebecca is agreeing, "Oh, daddy, truly, let's spare the life, let's do it." और बेकी जो भाई ब्रैनम की बेटी हुआ कहती है, खुदावन से आप प्रार्थना करें सपोज़म के लिए. The vet, a doctor for animals, also agreed, "Hey, let's spare this life." So the vet, Rebecca, and the prophet agree, "Let's spare this thing's life. Let's just shoot it." तो जो जानवरों का डॉक्टर है वो भी इस बात में सहमत है जो रिबका कह रही है, और ये तीनों एक बात में सहमत होती है कि आइए अब इसके लिए प्रार्थना करते हैं. Oh, but the greatest fountain of love had a different thought. लेकिन जो सबसे महान जो प्रेम का जो स्रोत है उसका एक फर्क विचार था. He said, "I brought this mother here to come on the prayer line to pray for her." उन्होंने कहा कि मैं इस opossum को यहाँ पे लेके आऊँ ताकि एक प्रार्थना पंक्ति में आए, ताकि इसके लिए प्रार्थना की जाए. 24 hours I've never prayed for. Oh my! Then it dawned to the prophet. तब ये बात नबी पे आश्कारा हुई. Apologized to the Lord, started praying for the little thing. Started praying. उन्होंने प्रार्थना करना शुरू करी. And then though it was healed, going, he sees it turned, looked at him as if he's saying, "Thank you, kind sir." और तब नबी बताते हैं कैसे जब वो एकदम जैसे ही प्रार्थना करी वो ठीक खड़ी हुई और वो आगे बढ़ती चली गई, आगे घूम करके मानो कहा को थैंक यू. Imagine God. कल्पना करिए खुदा को. Showing to a love of a creature without a soul. एक ऐसे प्राणी के लिए जिसके पास प्राण नहीं होता, एक ऐसे क्रिएचर के लिए जिसके पास प्राण नहीं होता, उसके लिए प्रेम दर्शाते हैं. How much more about the attributes of God? और कितना ज्यादा अधिक प्रेम होगा खुदा के गुणों के लिए. Oh my! Look at the cruel hunter called Bert. बड़े ही क्रूर शिकारी को देखें, बर्ट को. That guy was such a marksman. वो आदमी इतना बढ़िया शिकारी था. He didn't care much about preaching and so forth and whatever more. प्रचार और तमाम चीजों के लिए उसको जरा रत्ती भर परवाह नहीं थी. You know the story, one day he came with a little flute there to deceive them. Yes. और आपको कहानी मालूम है एक दिन कैसे बट साउथविक कैसे उस सिटी के साथ आए. And the hunters, it's a hunting season now, they know all the jungle, everything like that. और जो शिकारी वो शिकारी के मौसम में जानते हैं कि शिकार कैसे मिलता है जंगलों में. And when he blew that thing, और जब उन्होंने सिटी को बजाया, oh brother, some love from mama came out. तो कोई प्रेम था जो मां के अंदर से उबल के आ गया. She forgot about danger. वो खतरे से निडर होकर निकल आई. She forgot about her life being put in danger. वो इस बात को भूल गई कि वो अपने जीवन को. She was thinking about a little baby. वो एक छोटे बच्चे के बारे में सोच रही है. Being a hunting season, she came out there. और हunting season होकर नाते वो बाहर निकल के आ गई. Put her life right there in the open. उसने सीधे खुलेआम अपने जीवन को सामने रख दिया. And that hunter who understood nature very well. और वो जो शिकारी था वो उस नेचर को भलीभांति समझता था. He knew so much about hunting. वो शिकार के बारे में इतना ज़्यादा जानता था. He said, "Wait a minute, this is not normal. This." उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य चीज नहीं है. This is not normal. This. ये सामान्य चीज नहीं है. There is just no way. कोई ऐसा चीज नहीं हो सकती. When he saw that mother love being projected. जब उसने माँ के प्रेम को मरते हुए देखा. He was ready with his gun. वो तैयार था अपनी बंदूक के साथ. My the skill was there.
और उसको उसने सोचा इसको मार दूंगा. Prophet was just waiting to hear a gun blasting. और नबी सुन रहे थे कि अब बंदूक की गोली बजेगी. Oh, but the Almighty God. लेकिन सर्वशक्तिमान खुदा. Had poured some love into Mama. उसने माँ के अंदर कुछ प्रेम उमड़ दिया. And that love. और वो प्रेम. It affected the cruel man's heart. उसने उस क्रूर आदमी के हृदय में कुछ काम किया. He dropped the gun. उसने बंदूक फेंक दी. Lead me to that Jesus. उसने कहा मुझे उस यीशु के पास ले. Lead me to that love. मुझे उस प्रेम के पास लेके जाओ. Oh, it was not the ceremony that he preached. कोई शर्मा नहीं था जो प्रचार किया. It was not the song he heard. उसने कोई वहाँ पे गीत नहीं सुना. He saw something genuine coming from a heart of love. उसने देखा कि हृदय से कैसे एक प्रेम वास्तविक उमड़ रहा है. ओ विश्वासी. If you can really, really love. अगर आप वास्तविकता में प्रेम करते हैं. You can solve crime. हम अपराधों को रोक सकते हैं. If you can really love, अगर आप वास्तविक प्रेम कर सकते हैं, insane will be normal. तो जो पागल है वो ठीक हो जाएंगे. If you can really love from the heart, अगर वास्तविक हृदय से प्रेम करें, will be found. तो जो खोए हुए वो मिल जाएंगे. That is courage will be encouraged. और जो हतोत्साहित है वो love from the heart, उत्साहित हो जाएंगे. अगर ये प्रेम हृदय में हो, all things will be possible. सब कुछ संभव हो जाएगा. There's no limit what God can do in our midst. और कोई सीमा नहीं रहेगी उस काम की जो खुदा हमारे बीच में करें. The secret is this. भेद ये है. Is that divine nature of God? ये वास्तविक खुदा का दैवीय स्वभाव. Coming out of the heart of a believer. एक विश्वासी के हृदय से उमड़ते हुए. Propelled by love of God. और खुदा के प्रेम के द्वारा संचालित. Brother, it's a great power. भाइयों ये महान सामर्थ्य. Nothing can stand before this bride. इस दुल्हन के सामने कोई चीज खड़ी नहीं रह सकती. We cannot solve bitterness with bitterness. हम कड़वाहट को कड़वाहट के साथ नहीं हटा सकते. Our ammunition is supernatural. हमारा जो हथियार है वो अलौकिक है. Somebody say praise the Lord. We can praise the Lord. We were showing the believers the other day. गुजरे दिन विश्वास को दिखा रहे थे. Ephesians chapter 6. इफिसियों छठे अध्याय. When speaking about the whole armor of a Christian. जब वो एक पूरे हथियार को बता रहे हैं. You can have the helmet of salvation. हमारे पास उद्धार की टोपी होनी चाहिए. You can have the shield of faith. आपके पास विश्वास की ढाल हो सकती है. You can have the breastplate of righteousness. आपके पास झिलम हो सकती है धार्मिकता की. And the belt of truth. और सच्चाई की कमरबंद. And the sandals down there, preparation of the gospel, preaching of the gospel. और सुसमाचार के जूते. Sword of the spirit. और तलवार आत्मा की. Have you noticed there's absolutely nothing at the back? और आपने ध्यान दिया कि पीछे तो कुछ है ही नहीं. Absolutely nothing protects you at the back. और कोई भी चीज ऐसी है नहीं जो कि आपको पीछे सुरक्षा दे. That same script of Ephesians 6. When you read further, that same scripture. लेकिन जब आप आगे पढ़ते हैं उसी इफिसियों 6 में. Of Ephesians 6. इफिसियों 6 में. After he spoke about the whole armor. पूरे के पूरे हथियार के बारे में जब उसने बताया. About the prayer of the saints. फिर वो बातचीत करता है कि संतों की प्रार्थना. You are my keeper. I am your keeper through prayer. प्रार्थना के द्वारा मैं तुम्हारे कीपर हूँ और तुम मेरे कीपर हो. When you take one another into the presence of Almighty God. जब आप एक दूसरे को प्रभु के सर्वशक्तिमान खुदा की मौजूदगी में लेके जाते हैं. It becomes a sweet smelling aroma before the Almighty God. तो ये एक बहुत ही खुशबूदार चीज बन जाती है खुदा के सामने. When we express a feeling for one another, जब हम एक दूसरे के लिए अनुभूति व्यक्त करते हैं, it melts the heart of God. खुदा का हृदय पिघल जाता है. God answers prayer. खुदावन प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं. When we pray for one another, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, pleases God. ये खुदा को प्रसन्न करता है. He says, Father, उसने कहा पिता, make them one. उन्हें एक बना दे. As me and you are one. जैसे मैं और आप एक हैं. The desire of Christ, मसीह की इच्छा, is for the believers to be united in love. वो ये है कि विश्वासी प्रेम में एक हो जाए. Somebody say praise the Lord. Okay, praise the Lord. Oh, brother, love this. Oh, bhai, se genuine children of God. Vashvi khuda ke bache. They've got the ability embedded in them to love. उनके अंदर ये क्षमता है कि वो एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं. Let me show you in the scriptures. आइए मैं आपको वचन में दिखाऊं. God gave them 10 commandments. खुदा ने उनको 10 आज्ञा दी. When he comes in the New Testament. जब आते हैं नए नियम में. Christ came was the fulfillment of the law. खुदावन प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्था के पूर्तिकरण में होते हुए आए. And one day before the betrayal. और एक दिन पहले इसी के पहले वो पकड़वाए जाए. Sitting with the disciples. चेलों के साथ बैठे हुए थे. He says, you know, the Son of Man will be betrayed. उन्हें कहा कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा. The one who say I dip together, that's the one. The one that you see I dip. वो जो मेरे साथ उसमें टेबल में शरीक होगा और वो डुबा के खिलेगा वो मुझे पकड़वाएगा. The believer missed that. विश्वासी इसको मिस कर गया. And then he said, "Friend, go and do what is in your heart quickly." उसने कहा, दोस्त जो तू करना चाहता है जल्दी कर दे. When Judas left, जब यहूदा स्तुति छोड़ के चला गया. The 11 had remained. जब 11 रह गए. He then said, उसने तब कहा, "Now I say, अब मैं कहता हूँ,
A new commandment I give unto you. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ. Love one another. एक दूसरे से प्रेम करो. Love is not for serpent seeds. प्रेम सर्व वंशियों के लिए नहीं है. Love is not for the world. प्रेम संसार के लिए नहीं है. Love is for the elect of God. प्रेम खुदा के चुने हुओं के लिए. Those who come from Elohim. जो Elohim से आते हैं. They've got a natural ability to love. उनके पास एक प्राकृतिक क्षमता होती है प्रेम करने की. It's easy for us to love. हमारे लिए बड़ा आसान है प्रेम करना. It's easy to forgive. हमारे लिए आसान है माफ करना. It's easy to bear with a brother. एक दूसरे भाई के साथ प्रार्थना करना आसान है. Coming from a fountain of pure love. क्योंकि ये आ रहा है एक शुद्ध स्रोत से प्रेम के. Can someone say praise the Lord? कोई कह सकता है praise the Lord? That preaching, वो प्रचार, Christ never preached. मसीह ने कभी प्रचार नहीं किया. While Judas was there, जबकि यहूदा खुद था. When the elect remained, लेकिन जब चुने हुए रह गए. Then said now, अब उसने कहा, I'm addressing my family. मैं अपने परिवार के व्यक्ति हो रहा हूँ. This is now a family talk. अब ये पारिवारिक बात है. Oh, brother, sister. ओ मेरे भाई मेरी बहन. Says love one another. उसने कहा एक दूसरे से प्रेम करो. The world will know. वचन जानेगा. Not by quoting. अब कोट संसार जन The world will know not by quoting that you are my children, my disciples. उसने कहा कि संसार इस बात से नहीं जानेगा कि तुम मेरे बच्चे हो जब तुम इस बात को बोलते हो. He never said when you recite my sermons, my teachings. उसने ये कहा कि जब तुम मेरे sermons को मेरे व्यक्त. No sir. He said बोलोगे. When you express the love. लेकिन जब तुम प्रेम को व्यक्त करोगे. Paul says we are written epistles read by all men. पौलुस ने कहा कि हम लिखित पत्रियां जो कि सब मनुष्य के द्वारा पढ़ी जाती हैं. It means my brother, my sister. Sorry? It means my brother, my sister. मेरे भाई, मेरी बहन, इसका मतलब ये है. Even the blind. या तक कि दुल्हन भी. Must be able to read our life. जरूरी है कि हमारे जीवन को पढ़ सके. The deaf and dumb. जो गूंगे और बहरे हैं. Must be able also. वो भी योग्य होंगे. The Bible says all men read by all men, all men. बाइबल में लिखा हुआ है कि सब मनुष्यों के द्वारा पढ़े गए. Because when you start living a life worthy of the gospel, अगर हम सुसमाचार के योग्य जीवन बिताएं, inspired by love, और जो प्रेम से प्रेरित हो, it will affect everyone we come across. और हर एक जो सामने आएगा, उसको पे असर छोड़ेगा. There are people of other religions who knows the Bible, they can read in and out, they know it back and forth. और दूसरे धर्म के लोग भी हैं जो कि बाइबल को पढ़े लिखे हैं और वो अंदर बाहर सब जानते हैं. In fact, Jesus says when Jesus came. नवीन बताया कि जब यीशु मसीह he found those Jewish priests and so forth, you could put a pin, they can tell which pin which scripture it went through. They knew the scroll so well. नवीन बताया उस समय में पाए जाने वाले शास्त्री जो थे वचन को इतना ज्यादा अच्छी तरह जानते थे. जब भी आप कोई बात बोले वो पकड़ लेते थे ये वाली बात बोल रहे. But when the love gift, लेकिन जब प्रेम का वरदान was expressed in flesh, जब वो शरीर में प्रकट हुआ, they said Beelzebub, king of the devils. They call him king of the devils. उन्होंने उसको शैतान का राजा बोला. When the redeemer came, जब छुड़ाने वाला आया, you are a Samaritan, आप सामरी हो. When the redeemer came, जब छुड़ाने वाला आया, thou art crazy, तू पागल है. When the redeemer came, जब छुड़ाने वाला आया, you don't observe the customs of our fathers, हमारे पितरों के तुम रीति-रिवाजों को नहीं मानते. You even heal on the Sabbath, तुम तो सबत के दिन चंगाई करते. Yet they miss this, फिर भी वो चूक गए. He was the Lord of the Sabbath, वो उस सबत का प्रभु था. He was the one who was sending the prophets. ये वो था जो कि नबियों ने कहा था. He was all of the law together. वो सब व्यवस्था को मिलाकर एक साथ था. He was in the Psalms. वो ज़बूर में था. He was in prophecy. वो नबूवतों में था. Every scripture speaks of Christ. हर एक वचन की आयत मसीह के बारे में बताता है. Every chapter, every verse. हर एक अध्याय, हर एक आयत. If you don't see Christ, अगर आप मसीह को ना देखें, read again. दोबारा पढ़े. Go and visit the scripture. वापस वचन को पढ़ें. Because the whole Bible, क्योंकि पूरी बाइबल, speaks about Christ. मसीह के बारे में बताती है. And Christ, if he's the word, और मसीह अगर वो वचन है, and Christ is love, और मसीह प्रेम है, that means all scriptures. इसका मतलब पूरा वचन. Propelled by love. वो प्रेम के द्वारा संचालित है. 2 Timothy 3:16 says. दूसरा तीमोथियुस 3:16 कहता है. All scripture. तमाम वचन किया है. Inspired by the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है. Good for doctrine, for reproof. और वो शिक्षा के लिए और वो डांट के लिए वो सही है. Oh, for correction. और सुधार के लिए. That the man of God should be fully equipped in works of righteousness. ताकि खुदा के जो जन है वो धार्मिकता में पूरी तरह से वो लैस हो जाएं. So the reason why we've got faith in the word. तो जिस कारण से हमारे पास वचन में विश्वास है. It's because we love him. इसलिए क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं. When we love him, we have faith in him. जब हम उससे प्रेम करते हैं, हमारा विश्वास होता है उनमें. Faith and love, they work together. प्रेम और विश्वास एक साथ थे. No wonder Jesus. इसमें कोई अचरज की बात नहीं है. When he came, he said it behooves us to go through Samaria. उसने कहा कि हमें सामरी से होकर के जाना जरूरी है. He found an ill-famed little woman there. उसने वहां पर एक बाजारू औरत को देखा. He knew that Peter and James and Jordan, the rest, they won't understand what is engaging upon now. Sorry,
They won't understand. He said the disciples, they won't understand. उसने कहा कि चेले इस बात को समझ नहीं पाएंगे. पतरस याकूब यूहन्ना. When he came down to Samaria, जब वो सामरी में नीचे आया, he said, "Go and buy bread." उसने कहा जाके रोटी खरीद के लेके आओ. He remained all alone. वो अकेला रह गया. When it comes to redemption, जब छुटकारे की बात आए, he doesn't send someone. वो किसी को भेजता नहीं. He comes down himself. वो स्वयं नीचे आते हैं. That woman's heart was crying. वो स्त्री का हृदय प्रेम से रो. The elect was trapped in a condition. वो जो चुना हुआ था एक हालत में फंसा हुआ था. Her love was coming to her. और यहाँ पर प्रेम उसके पास आया. Coming to redeem her. कि आप मुझे छुड़ा क्यों नहीं लेते? All other men who have come before. बाकी जो पुरुष मेरे सामने आए थे. They were abusive. वो बहुत ही बेकार थे. They did not have anything good for her. उसके लिए कुछ भला नहीं किया. But then he came down the seventh. लेकिन तब आया वो सातवां. Oh, blessed be the name of the Lord. ओ खुदा का नाम मुबारक हो. When he came, he says, "Woman." जब वो आया उसने कहा स्त्री. He started engaging with her. उससे बातचीत करना शुरू किया. If you knew the gift of God, अगर तुम खुदा के वरदान को जानती, you'd be asking water from me. तुम मुझसे पानी मांगती. She never understood. She was thinking about the natural water. अब वो कभी इस बात को समझ नहीं, वो तो प्राकृतिक पानी के बारे में सोच रही थी. Yet she was speaking about the spiritual waters. फिर भी वो बातचीत कर रहा था आत्मिक पानी के बारे में. And then he says, "Go and get your husband." और तब उसने कहा जाके अपने पति को बुला ला. You had five. तू पांच कर चुकी है. This one is not yours. और जो छठा जो तेरे पास वो भी तेरा नहीं. Christ came as the seventh man before. और मसीह आया सातवें के रूप में उसके सामने. Oh, my started saying, "We perceive you're a prophet." उसने कहा कि मैं सोचती हूँ कि आप नबी हो. Now I want you to notice this, brother, sister. मेरे भाई बहनों, जब आप इस बात को देखें. Knowledge alone won't help us. ज्ञान आपकी मदद नहीं कर सकता. Packing the coats won't help us alone. Sorry? Packing the coats. Okay. The quotation, the message. जो हवाले हैं केवल वो मदद नहीं लाएंगे. हाँ, और the scriptures themselves. और वचन की आयतें केवल. We need the truth. हमें सच्चाई की जरूरत है. The spirit of the truth. और सत्य की आत्मा की जरूरत है. We cannot have one opposite to the other. हम एक आध इनमें से एक को छोड़ नहीं सकते. If you have too much spirit. अगर आपके पास प्रेम, आपके पास आत्मा 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 बहुत ज्यादा हो. No word. और वचन ना हो. We'll go too much on the other side. तो हम उस दूसरी तरफ चले जाएंगे ज्यादा. If we speak too much about the letter. और अगर हम वचन के बारे में ज्यादा बोलते लगे. We will be intellectual giants, but it will die. तो हम केवल एक इंटेलेक्चुअल जायंट होंगे और मर जाएंगे. Because the letter killeth. क्योंकि शब्द मारता है. But the spirit gives life. लेकिन आत्मा जीवन दायक है. The word. आपको वचन चाहिए. And the spirit of the word. और वचन की आत्मा भी चाहिए. The word is love. वचन प्रेम है. The Holy Ghost nature is love. और पवित्र आत्मा का स्वभाव प्रेम है. You will never go wrong there. तब आप कभी गलत नहीं होंगे. Can someone say praise the Lord? कोई कह सकता है praise the Lord? So this woman, so yes, three, when she was quoting, जब वो इस बात को बोल रही थी, we know when the Messiah comes, he'll do these things. कि जब मसीहा आएगा वो इन तमाम चीजों को करेगा. She knew the sign of the Messiah. वो मसीहा के चिन्ह को जानती थी. But there was no power to make her subject to the life of the knowledge she knows. Yeah. और कोई उसके पास सामर्थ्य नहीं थी कि उसको जो ज्ञान था उसके पास उसके नीचे वो आ सके. Knowing the Messiah will come and do A, B, and C is wonderful. ये इस बात को जानना कि मसीहा आएगा ये तमाम काम करेगा ये बात जानना बहुत अच्छा है. But where was the power to make it prepare for the coming Messiah? लेकिन वो सामर्थ्य कहाँ थी जो उसको आने वाले मसीहा के लिए तैयार करे? Abraham by the tent door was waiting for the visitation of Elohim. अब्राहम अपने एक तंबू के द्वार पे Elohim Elohim के आने का इंतजार कर रहा था. Because he had a revelation. क्योंकि उसके पास मुकाशवा था. He had some visitation of Elohim before. और पहले उसके पास Elohim की visitation हुई थी. Aha, no wonder when the three angels were approaching. और मैं कोई चर्च नहीं करता जब तीन दूत उसके सामने आ रहे थे. He said, "My Lord." उसने कहा मेरे प्रभु. Not my lords. उसने ये नहीं कहा मेरे प्रभु ओ. But Lord. लेकिन प्रभु. No visitation from the Lord. कोई मुलाकात प्रभु से ना हो. No supernatural in his life. कोई अलौकिक जीवन में ना हो. No connection with the supernatural. और कोई कनेक्शन ना हो अलौकिक से. He says only two angels. ये केवल दो दूत हैं. He says my lords plural. ये केवल लूत है जो कह रहा है कि मेरे प्रभु हो. There was a lack of revelation. उसके पास मुकाशवे की कमी थी. But Abraham. लेकिन अब्राहम. He saw three. उसने तीन को देखा. He identified one. उसने उनमें से एक को पहचाना. He said my lord. उसने कहा मेरे प्रभु. Brother sister. मेरे भाई मेरी बहन. Revelation is important to us. मुकाशवा हमारे लिए बहुत जरूरी चीज. More than anything else. किसी और चीज से ज्यादा. Blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम मुबारक हो. And I want to show you right there. और मैं आपको ठीक वहां दिखाना चाहता हूं. You know when eternal life has come in us. जब अनंत अनंत जीवन हमारे अंदर आता है. We start thinking of others better than ourselves. तो हम दूसरों को अपने से ज्यादा बेहतर सोचने लगते हैं. Eternal life is living others, living life for others. अनंत जीवन यह है कि हम दूसरों के लिए जिए. Look at something simple like this. इस बात को देखें. You can relate to this simple thing. आप इस साधारण बात से समझ सकते हैं. If you are moving from one house to another house. जब हम एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाते हैं. It's hectic to move. Very hectic.
तो बहुत ही मुश्किल होता है मूव करना, टू पैक थिंग्स एंड सो फोर्थ, समटाइम्स यू सामानों को बांधना और चीजों को एक साथ पैक करके लेके जाना, इन द प्रोसेस थिंग्स गेट ब्रोकन, प्रेशियस थिंग्स, और आप पाते हैं कि जब हम ऐसे सामानों को बांधते हैं कई बार बड़ी बहुमूल्य चीजें टूट जाती हैं। इट्स सच एन इनकन्वीनियंस टू मूव अ हाउस टू अनदर, सच एन बहुत ही इनकन्वीनियंस होती है जब हम एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाते हैं। अब्राहम, लेकिन अब्राहम विद द नेचर ऑफ गॉड इन हिम, खुदा के स्वभाव को रखते हुए अपने अंदर, ही गेव लॉट द फर्स्ट ऑप्शन, उसने लूत को पहला विकल्प दिया। He says, if you remain here, उसने कहा तुम यही रहना चाहते हो, willing to take the tents and the animals and everything else, the whole inconvenience to move and inconvenience myself for your sake. उसने कहा लूत तेरे लिए मैं अपने पूरे घराने को, अपने पूरे सामान को बांध करके यहां से लेके जा सकता हूं। And if you go, और अगर तू जाए, I will remain this time. मैं यहीं पर रह रहूंगा। What you are seeing there, जो आप वहां देख रहे हैं, is Abraham expressing the nature of God. यह इब्राहिम जो खुदा के स्वभाव को व्यक्त कर रहा है, an unselfish nature. एक निस्वार्थ स्वभाव खुद जो खुदा का है। He put Lot next, rather first, more than himself. उसने लूत को प्रथम स्थान दिया अपनी जगह। When the prophet picks up Adam, जब नबी उठाते हैं आदम, Adam spoke like a poet when his wife was before him. जब आदम की पत्नी उसके सामने होती थी, वो एक कवि के नाते बोलता था। Bone of my bone, तो मेरी हड्डियों में की हड्डी, flesh of my flesh, मेरे मांस में का मांस। I shall call you women because you came out of a man. और मैं तुझे स्त्री कहूंगा, तू आदमी से निकली है। Oh, was having a wonderful time. और बहुत ही अद्भुत समय था। But when the fall happened, लेकिन जब गिरावट आई, he blamed the wife and blamed God. उसने खुदा को ब्लेम किया और पत्नी को ब्लेम किया। Prophet says it's the nature of a fallen man, he always blame others. नबी ने बताया कि ये एक गिरे हुए इंसान का स्वभाव होता है, दूसरों पे दोष लगाता है। Listen to this statement. इस वाक्य को सुनिए। He was actually saying to God, I was spiritual before you brought this woman here. उसने कहा कि खुदा से कि मैं इस स्त्री के आने से पहले, इससे पहले कि आप स्त्री लेके आए, मैं बहुत आत्मिक था। Because he's simply saying that this woman you gave me. क्योंकि वो कह रहा है कि ये स्त्री जो आपने मुझे दी है ना, it means that no, me, I was right, everything was well here. But now you gave this woman, that's why they fall. कहेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब तक आपने ये औरत दी, जब आपने ये औरत दी, and to show they are both fallen, और दोनों गिरा दिखाते हुए, she also doesn't take the blame. No, no, it's the serpent. स्त्री ने भी दोष अपने पर दिया, उसने सर पे दे दिया। When you start passing the buck, आप देखिए जब आप पैर को पास करना शुरू कर देते, problem there. But when we start having the nature of God within us, लेकिन जब हमारे अंदर खुदा का स्वभाव आता है, we'll behave like Abigail. हम अबीगेल की तरह behave करेंगे. When Abigail heard, जब अबीगेल ने सुना, that David was coming to finish his house, कि दाऊद आ रहा है उसके घराने को पूरा करने के लिए, she quickly saddled a donkey. उस जल्दी से गधे पे बैठ गई. She put all the good stuff, the food and everything. और तमाम भोजन सामग्री को उसने बटोरा. She started approaching David. वो दाऊद के समीप जाने लगी. Anger, the wrath of David was coming this way. और जो दाऊद का क्रोध है वो इस तरीके इस ओर आ रहा था। But the woman of good understanding, Abigail, was approaching this way. और जो अबीगेल भरा ज्ञान रखने वाली वो इस प्रकार से जा रही थी। The Bible says he saw David there, then he bowed. और उसने कहा, बाइबल में लिखा है, जैसे ही उसने दाऊद को देखा, वो झुक गई। My Lord, take this all iniquity upon myself. Put everything to be. उसने कहा कि हे मेरे स्वामी, मेरे से तमाम अधर्म को दूर कर दे। I never saw your servants. I Abigail, I never saw your servants. मैं जो अबीगेल हूँ, मैंने कभी भी आपके दासों को नहीं देखा। He says, don't even consider this man Nabal, like his name is foolish. उसने कहा कि इस आदमी जिसका नाम नबाल है, जिसका अर्थ मूर्ख है, इसको पे कभी ध्यान मत देना। Abigail took all the reproach upon herself. अबीगेल ने उस तमाम दोष को अपने पर ले लिया। Yet it was not her fault. जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। Look at wisdom. ज्ञान को देखें। Look at the nature of God. खुदा के स्वभाव को देखें। It doesn't pass the park. वो जो जो दोष है, दूसरे पे पास नहीं करता। She's just pleading to David. वो केवल दाऊद के सामने याचना कर रही है। And the wrath of David was so much appeased. और दाऊद का जो क्रोध इतना ज़्यादा ठंडा हो गया। David realized what a good understanding, what a wonder wise woman she is. दाऊद ने जाना कि ये कितनी प्यारी स्त्री है। And later the Bible says God slay that man Nabal. बाइबल में लिखा है बाद में खुदा ने नाबाल को मार दिया। Someone say praise the Lord. कोई कहे praise the Lord. Someone say praise the Lord. कोई कहे praise the Lord. When the nature of God is in us, जब खुदा का स्वभाव हमारे अंदर होता है, we will not blame others. हम दूसरे पे दोष नहीं लगाएंगे। When the nature of God is in us, जब खुदा का स्वभाव हमारे अंदर होगा, we will pray for one another. हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। We will bear with one another. एक दूसरे के साथ सहेंगे। We will have high thoughts about one another. एक दूसरे के लिए हम बड़ा ऊंचा सोचेंगे। How are we demonstrating that we love in God this morning? हम कैसे इस बात को दर्शाएं कि हम खुदा के प्रेम को प्रकट करते हैं? Is by caring for his children. उसके बच्चों के लिए परवाह करने के द्वारा। Simple things. साधारण चीजें। Brother Branham says, if you love me, William Branham. भाई ब्रैनम कहा, अगर आप मुझ विलियम ब्रैनम से प्रेम करें। Love my children. मेरे बच्चों से प्रेम करें। And if you love God, और अगर आप खुदा से प्रेम करें, love his children, उनके बच्चों से प्रेम करें। That's how simple it is, my brother, my sister. इतना साधारण ये बात है। Our attitudes towards one another, हमारा स्वभाव एक दूसरे के प्रति, is exactly an attitude towards the Almighty God.
Sorry, it's an attitude towards the Almighty God. ये है हमारा स्वभाव खुदा की ओर, जो सर्वशक्तिमान है. Are we together, believers? The point I was bringing here is this. जिस बात को मैं यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ. When the nature of God is in us, जब खुदा का स्वभाव हमारे अंदर होता है, we start esteeming others better than ourselves. हम एक दूसरे को अपने ज़्यादा बेहतर समझने लगते हैं. We start living a life. हम एक ऐसा जीवन बिताने लगते हैं. You know, to ensure we don't make anyone stumble, you know. जो से किसी को ठोकर ना लगे. We're living a life considering others. हम ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जो दूसरों को सोच के बारे में सोचते हुए. Christ is glorified in our lives. मसीह हमारे जीवन में महिमा युक्त हो. Oh, may God help us this morning. काश खुदा हमें मदद करे आज सुबह. May God really grant us grace this morning. काश वास्तव में खुदा हमें अपना अनुग्रह करे. So I come back to this woman at the well. तो मैं वापस आता हूँ स्त्री पे जो कुएं में थी. And then she says, "Who is the Messiah?" I said, "I am He, the Messiah." और उसने कहा कि हम जब मसीह आएगा वो बातें बताएगा. उसने कहा कि मैं वो मसीह हूं जो तुम्हारे सामने हूं. She dropped the water pot and ran to Samaria. वो घड़े को छोड़ करके सामरिया चला गई. And said, Samaria, come and see a man who told me the things I've done. उसने कहा, ए सामरिया के लोगों आओ देखो कि वो आदमी जिसने मेरे हृदय की बातें बताई. When the nature of God came through Christ. जब खुदा का स्वभाव मसीह के द्वारा आया. When love descended in Samaria. जब प्रेम उतर के आया सामरिया में. It changed a woman from an ill-famed woman to a lady. उसने एक औरत को बजारू औरत से एक नेक और स्त्री बना दिया. The effect of that love. उस प्रेम का असर. Changed the whole Samaria. पूरे सामरिया को बदल दिया. Samaria was not changed by a good doctrine. सामरिया एक अच्छी शिक्षा के द्वारा नहीं बदला. Samaria was not changed by a good teaching. सामरिया कोई भली शिक्षा के द्वारा नहीं बदला. Samaria was changed by the effect of love. सामरिया बदला प्रेम के असर के द्वारा. Christ never came and judged the woman. मसीह ने आकर कभी उस स्त्री की का न्याय नहीं किया. He came down to uplift her. वो इसलिए नीचे उतर गया ताकि उसको उठाए. And look at the genuine brother effect of love. और उस वास्तविक प्रेम के असर को देखे. When people saw a changed life. जब लोगों ने एक बदले हुए जीवन को देखा. That became a billboard for heaven. तो ये स्वर्ग के लिए एक बड़ा बिलबोर्ड बन गया. That became an advertisement for heaven. तो ये बन गया विज्ञापन स्वर्ग के लिए. Samaria wanted to see this fountain of love. सामरिया जो था वो इस प्रेम के सोते को देखना चाहता था. This power that has affected this woman. इस सामर्थ को जिसने की असर डाला स्त्री के ऊपर. In actual fact, ourselves we can relate to the woman at the well. हम वास्तविकता में अपने आप को मिला सकते हैं उस सामरी औरत के साथ. Some of us come from native Zulu, you know, traditions there, ancestors and worshiping the dead in Africa there. और हम मैं पाता हूँ कि जो हमारा जो पूर्वज है जो हम जुलू से आते हैं वहां पर क्या होता है कि जो औरतें हैं और वहां के जो लोग बाग हैं वो मृतकों की उपासना करते हैं. Some of our precious brothers and sisters here come with a background of idol worship. और हमारे यहाँ कुछ लोग पाए जाते हैं जो कि मूर्ति पूजा से आते हैं. We were affected by the love of God. और हमारे जीवन में खुदा के प्रेम का असर आया. God never condemned us by the background we come from. और जिस भूमिका से हम निकल गए खुदा ने कभी हमें उसको देख के दोषी नहीं ठहराया. The song Rara says he came down, he saw my need beyond my sin. और गीत इस बात को बताता है कि वो मेरे गुनाह के परे मुझे देख पाया. God never came there and said, you did this, you done that. He just expressed love to us, a way of escape. और खुदावंत जब नीचे उतर गया उसने ये नहीं कहा तुमने ये किया तुमने वो किया, लेकिन उसने अपने प्रेम को हमारी ओर दर्शाया. उसने उस गुनाह के परे देखा. That is exactly must be the principal theme of our life. यही हमारा जीवन का मुख्य आधार होना चाहिए. Let me just read something again here. या फिर से मैं आपके सामने कुछ पढ़ता हूँ. Another quotation by the grace of God. और खुदा के अनुग्रह के द्वारा एक और हवाला. Love the Lord Jesus. क्या प्रभु के You love the Lord Jesus. प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं. Wonderful. अद्भुत. There's a quote I want to read here. एक हवाला मैं आप पढ़ना चाहता हूँ. By the grace of God. खुदा के अनुग्रह से. Oh my, we love the Lord Jesus. हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं. God's divine nature. खुदा का दैवीय स्वभाव. God's divine nature. खुदा का दैवीय स्वभाव. Brother, we're gonna be reading here also in the book of Matthew chapter 5. Before we come there, इससे पहले हम यहाँ पर आएं मत्ती की इंजील उसका पांचवा अध्याय भी पढ़ना. Let's start on this quote here, right, my brother? Yes. Let's start on this quote. Yes, brother. He says in this message, my God commissioned to Moses. Starts there. और संदेश से जिसका कि शीर्षक है खुदा ने सेवकाई दी मूसा को. Right. Okay, let's give that brother safe time. Safe time there. Let's pick up this. Mystery, Christ, the mystery of God revealed. Yeah. उस हवाले से पढ़ रहा हूँ मैं जो कि संदेश में पाया जाता है मसीह खुदा का भेद प्रकट. Paragraph 131. 131 अनुच्छेद. He is the thing. He is in the prophets. Was in the prophets. वही वो चीज़ है जो कि नबियों में थी. He was in them. वो उनमें था. He was in the Psalms. वो ज़बूरों में था. He was in the history. वो इतिहास में था. He is the thing to come. वो है वो चीज़ जो आने वाला है. Same yesterday, today, and forever. कल आज और युगानों एक सा. Hebrews 13:8. इब्रानियों 13:8. If you are writing it down, अगर आप इस बात को लिख रहे हैं, he should be then.
तो इसको वो होना चाहिए. It should be the principal. उसको मुख्य आधार होना चाहिए. He says that, he says then if he is that, then he should be the principal theme of our talking. और ने कहा अगर ये चीज वो है तो उसको मुख्य आधार होना चाहिए हमारी बातचीत का. Of our thinking. हमारी सोच का. Of our singing. हमारे गानों का. Of our walks. हमारी चालों का. Amen. The prophet says. आमीन कहते हैं नबी. It should be the principal theme of our life. उसे हमारे जीवन का मुख्य आधार होना चाहिए. If it's the principal theme of the Bible. अगर ये बाइबल का मुख्य आधार है. And the Bible is in us. और बाइबल हमारे अंदर है. Then we should be the principal theme of everything that we do. तब उसको हर एक काम जो हम करते हैं उसका मुख्य आधार होना चाहिए. Say or drink, चाहे सोचें चाहे बोलें, should be Christ, मसीह होना चाहिए. Is that right? क्या ये बात सही है? Brother, sister, the love of God, this divine nature we are talking about, ये खुदा का प्रेम जो खुदा का देव स्वभाव है जिसके बारे में बातचीत कर रहा हूं, key cornerstone of everything of our life, हमारे जीवन का मुख्य आधार होना चाहिए. Our thinking must be propelled by this love of God, हमारी जो सोच है वो खुदा के प्रेम के द्वारा संचालित होना चाहिए. Our behavior, हमारा बर्ताव, our disposition or our conduct, और हमारा जो हम आचरण करते हैं, it should be based upon this precious love of God, ये खुदा के बहुमूल्य प्रेम पे आधारित होना चाहिए. Somebody say praise the Lord. कोई कहे praise the Lord. The Bible says this, बाइबल इस बात को बताती है. Let me read here in the book of Peter. आइए मैं आपके सामने पढ़ता हूं पत्रस की पत्री. चैप्टर 1 वर्स 22. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 22वीं आयत. ओ प्रेज अस जीसस. आमेन. फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स पहला अध्याय वर्स 22 उसकी 22वीं आयत. ओनली इफ वी हैव टाइम हियर. ओके ऑल राइट लेट्स मूव देयर. He says, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य से के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो. See that you love one another with a pure fervent heart. देखो कि तुम मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो. Are we together, believers? हम सब एक साथ हैं. Together believers. क्या विश्वासी हम एक साथ हैं? See that we purify our souls by obeying the truth. और सच्चाई को मानने के द्वारा अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है. Through the Spirit. आत्मा के द्वारा. It's one aspect of it. ये उसका एक पहलू है. But it's not all of it. ये पूरा संपूर्ण नहीं है. The word surely purifies us. वचन बेशक हमें शुद्ध करता है. Obedience to the word is what God desires more than sacrifice. और खुदावन कुर्बानी आज्ञा मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है कहते हैं. Through the Spirit, the Holy Ghost. आत्मा के द्वारा. But लेकिन unto unfeigned love of the brethren. That's the key. लेकिन जो मुख्य चीज है वो ये है मन लगाकर एक दूसरे से प्रेम रखना. That is also connected right there. ये भी ठीक वहां जुड़ा है. Because let me put it practically like this. लेकिन मैं इसको आपके सामने सीधे सीधे रखना चाहता हूं. If ever you agree with someone in the faith 98% of the time. अगर आप किसी के साथ सहमत हो 98% ही. Surely it should be able for the 2% you don't agree to bear with the brother or the sister. तो बेशक पक्की बात ये होगी कि आप वो 2% जो है वो ये बात होगी कि आप एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होंगे. Because the great challenge is Matthew 5, where we are going. Sorry, brother. Sorry, okay. Can you repeat the whole thing? Oh, the whole thing. Bless your heart. And then I'm saying, if ever you agree with someone 98% of the time, अगर आप किसी के साथ सहमत रखें 98%, you don't agree only 2% out of 100. Only 100 में से केवल 2% आप agree ना करें. Surely you can bear with someone with the 2% you don't agree with. 2%. तो आप केवल जो 2% आप उसके साथ सहमत नहीं आप उसको bear कर सकते. And focus on the 98% that you agree. और उस 98% पे आप केंद्रित हो जिसपे आप सहमत होते हैं. And trust God will undertake for the rest. और आप खुदा पे भरोसा रखें बाकी चीजों की केयर वो कर लेंगे. Are we so far together, believers? Because our challenge is we are going to Matthew 5 right now. We are going to Matthew 5. We are going. We are going. We are going to Matthew chapter 5. क्योंकि हम जा रहे हैं मत्ती 5वें अध्याय में. Something more stringent, more serious, more difficult. कोई चीज है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है. I said God is giving us practice as one another, as believers. और खुदावन विश्वासी होने के नाते हमें कुछ करने को प्रैक्टिस करने को कह रहे हैं. We must have unfeigned love, fervent love for one another as believers. हमारे अंदर विश्वासी होने के नाते एक दूसरे के लिए एक बहुत ज्यादा प्रेम होना चाहिए. When we grow up at home as siblings, जब हम घर में जब भाई बहन एक साथ पढ़ते हैं. We tap on one another's food sometimes, we hurt each other, you do things like that. ऐसा होता है कि इसका खाना मार लिया, उसके साथ कुछ कर दिया, उसके साथ कुछ गलत कर दिया. It's normal. We are growing at home. It's my brothers, my sisters. It's normal.
तो ये बड़ी सामान्य बात हम घर में एक साथ पढ़ रहे हैं। But when someone from outside tries and comes and bully, hey, we come together as the brothers and sisters, hey, wait a minute, you can't do that. लेकिन जब घर में कोई आ जाए और बाहर आकर के हम बार पर को तंग करना शुरू कर दे, तब ये भाई बहन जो कि आपस में लड़ भी रहे थे, तब एक हो जाते हैं उसके विरोध में। Our misunderstanding of one another doesn't make us discard or disown one another. No, no, no. हमारी ना समझी एक दूसरे के विरोध में हमें एक दूसरे से अलग नहीं करती उस समय। When a brother steps on your foot in church, a sister step on your foot. जब एक भाई या एक बहन आपके भोजन को खींच लेता है, it's part of growth. You are a family, spiritual family is part of growth. It's normal. हाँ, तो ये एक ये बढ़त का एक चिन्ह है जो कि एक परिवार में चल रहा है कलीसिया में। God is giving us a practice with these things, believers. विश्वासियों, खुदा हमें प्रैक्टिस दे रहा है इन बातों को लेकर के। Someone say amen. कोई कहे आमीन। Because when now we come to the scripture in Matthew chapter 5, जवाब आते हैं अब मत्ती 5 में। Jesus never just spoke things. खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसी चीजें नहीं बोली। And said, bear with one another, love one another. No, brothers. उसने ये नहीं कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो और एक दूसरे की सहलो, ऐसे ही नहीं। Earlier on we quoted Jesus Christ saying to Judas, friend, go and do what is in your heart quickly. हमने पाया था पहले कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती से कहा, है दोस्त, जो तू करना चाहता है जल्दी कर ले। His attitude was exactly the same attitude God had with Cain in Genesis. उसका प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ठीक वैसा था जैसे खुदा का स्वभाव था बाग एदन में कैन के साथ। Look at the nature of God, believers. खुदा के स्वभाव को देखें विश्वासियों। Jehovah of the Old Testament. Jehovah of the Old Testament. पुराने अहदनामे का यहोवा, we know him to be Jesus of the New Testament. हम जानते हैं नए अहदनामे का यीशु है। He doesn't change his nature. वो अपने स्वभाव को नहीं बदलते। He doesn't change his attitude. वो अपने स्वभाव को नहीं बदलते। Someone say praise the Lord. कोई कहे praise the Lord. He realized Cain, he was of the wicked one. Yes, he was. उसने बात को जान लिया कि यह दुष्ट से है। The sacrifice was wrong. कुर्बानी गलत थी। Nothing with the blood dying on the altar. वहां पर कुछ भी वेदी पे खून नहीं है। He couldn't, you know, catch the revelation of Abel caught. और उस मुकाशफे को जो हाबिल को मिला, कैन पकड़ नहीं पाया। God gave him a chance. Do like your brother will be accepted. लेकिन खुदावन ने कैन को मौका दिया कि तू जैसा तेरे भाई हाबिल ने किया वैसा कर ले। Look at the attitude towards God, and he's not guessing. He knew that he was of the wicked one. और आप देखिए खुदा के स्वभाव को, वो गेस नहीं कर रहा, वो जानता है कि वो दुष्ट से है। In the church of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में, you would have mistaken Judas as the elect and then discard Peter. आप यहूदा स्कृति को, सॉरी, मैं ये कहना, भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में हो, तो आप हो सकता है कि आप यहूदा स्कृति को बेहतर समझ दें और आप पत्रस को डिस्कार्ड कर दें। Yeah, because Judas, I mean, he looks very spiritual. He was a guy who can say to Christ, why do you even waste such perfume? Must give it to the poor. He's a spiritual brother. क्योंकि यहूदा स्कृति जो खुदा ही कलीसिया में पाया जाता, बड़ा आत्मिक दिखता, वो कहता है कि ऐसे इतना बड़ा सुगंधित द्रव्य जो है, इसको बेच करके कंगालों क्यों नहीं दिया जा सकता था। Peter is quick in saying, I mean, you know, people are pushing you. How can you say who touched you? How are we supposed to know? लेकिन पत्रस जो है, उसको देखे तो वो कहेगा कि इतनी भीड़ आप पे उमड़ रही है और आपको छू रही है, आप कैसे कह सकते हैं किसी ने मुझे छुआ? Peter the elect is quick with the sword, is quick with this, is quick with that. पत्रस जो चेहरा है वो बहुत जल्दबाज है, तुरंत निकालता है तलवार और कान काट देता है। Without revelation, बिना मुकाशफे के, you can say, hey, Peter is not the elected guy. This guy is just off. बिना मुकाशफे के आप कहेंगे पत्रस जो है ये चुनावा नहीं है, ये तो बाहर है। He is a gentleman, Judas. यहाँ पर तो एक वास्तविक इंसान सज्जन जो है वो यहूदा स्कृति है। He's even thinking for the people. वो तो देखो यहाँ तक कि गरीबों की सोच रहा है। He's feeling for the people. वो लोगों के लिए उसके अंदर अनुभूति है। Why don't you give the poor? अब गरीबों में ये बात क्यों नहीं बांट जाती? Oh, may God help us. आज खुदा में Malachi 4 says further on that. मलाकी 4 इसके बारे में आगे कहता है। In our churches would have taken Esau quickly and rejected Jacob. उन्हें कहा हमारी कलीसियाएं ईसाओ को तो बड़े आराम से ले लेती और याकूब को तिरस्कार कर देती। That's why we need a revelation in everything. इसलिए हमें हर एक चीज में मुकाशफे की जरूरत है। That guy, irrespective of all the mistakes and faults, all the mistakes. यद्यपि उसने तमाम गलतियां करी अपने जीवन में, उस वो जो शख्स था, but Jacob wanted the best right. लेकिन याकूब को Jacob वो जन्म से अधिकार चाहिए, उसको चिन्ह चाहिए था। Jacob was very spiritual. याकूब बहुत आत्मिक था। It's not him that willeth, not him that runneth, it's the Lord who showeth mercy. इच्छा करने वाले की नहीं, लेकिन ये खुदा जो दया का धनी है, ये उसके ऊपर आयत होती है बात। We see grace in Jacob, brothers. हम याकूब में अनुग्रह को देखते हैं। Not compliance. You know, not doing things right and orderly and so forth. हम पाते हैं कि याकूब चीजों को सही खानों में रख नहीं पाता। That guy was careless. He was a supplanter, a deceiver. Everyone, wherever. वो तो अड़ंगे मार था, वो तो मतलब हर जगह धोखा देता रहता था। His brother Esau is crying. He stole the birthright. उसका जो भाई जो ऐसा हुआ, उसने अपने जन्म से अधिकार को छोड़ दिया। He deceived the father, the prophet. उसने अपने बाप जो नबी था, उसको भी धोखा दिया। He comes to Naaman also. He's becoming richer than his boss Naaman.
अपने बॉस नामान से भी ज्यादा वो अमीर हो गया. Wherever Jacob goes is just a problem is followed by problem, problem, problem. That's Jacob. और जहां कहीं याकूब जाता आप पाते हैं समस्या ही समस्या है. But oh, as the elect of God, he comes from God. लेकिन खुदा के चुने हुए होने के नाते वो खुदा की ओर से आता है. He was never too far-fetched. God always had him in mind. और वो खुदा से कभी दूर भाग नहीं पाया. खुदा के दिमाग में हमेशा वो पाया जाता था. Blessed be the name of the Lord. खुदा का नाम मुबारक हो. So brother, sister, so मेरे भाइयों बहनों, when we look at one another, जब हम एक दूसरे की ओर देखते हैं, we must have high thoughts for one another. एक दूसरे के लिए हमारे पास ऊंचा विचार होना चाहिए. Don't look at the behavior of a brother, behavior of a sister. एक भाई का बर्ताव, एक बहन की बर्ताव को ना देखें. And write him off and condemn. No, that's not our truth. सीधे उस पर दोष लगा दे नहीं. We must love each other better. हमें एक दूसरे की सहना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए. How do you know he's still a Jacob going to tend to become an Israel? आपको कैसे मालूम कि ये जो आज याकूब है कल इज़राइल बन जाएगा? How do you know you're dealing with a Saul who's going to tend to be a Paul? और कैसे जिस शख्स जिसके साथ आप बर्ताव कर रहे हैं जिसका नाम साउल है अगले दिन वो पौलुस बन जाएगा? We have to allow God to be God in our lives. हमें अनुमति देनी है खुदा हमारे जीवन में आ सके. I'm so blessed and clear that we don't know who's elect, who's not, who's what. I'm so glad God made this thing a mystery. मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ. खुदा ने मुझे ये नहीं दिखाया कौन चुना हुआ है कौन चुना हुआ नहीं है, लेकिन mystery. लेकिन खुदा ने इस बात को एक भेद बना दिया. We must just love blindly, just love everyone blindly. हमें हर एक शख्स के साथ अंधाधुन प्रेम करना चाहिए. We don't know who is who, we just have to, it's our nature. We must just love. ये हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें. Can someone say praise the Lord? क्या कोई praise the Lord कह सकता है? That is exactly where we are, my brother, my sister. यह है वो जगह जहाँ पर हम हैं. Jesus, प्रभु यीशु मसीह, even interceded for the people who came for his life. यहाँ तक कि वो लोग जो उसको मारने आए थे उसके लिए भी खुदा ने यीशु मसीह ने बिचवाई का काम किया. We don't just see him in Gethsemane healing an ear of a Roman soldier. हम केवल गतसमनी में देखते कैसे कि रोमी सिपाही के उसने कान को जोड़ दिया. He was healing someone who was coming for his life. और जब वो किसी को चंगाई दे रहा है तो ये दिखा दर्शा रहा है उसका प्रेम उसके प्रति. That doesn't lie within a man. It's a nature of God. ये किसी इंसान के अंदर नहीं होता, ये खुदा का स्वभाव है. Can a believer say amen? क्या एक विश्वासी आमीन कह सकता है? Jesus, प्रभु यीशु मसीह, He says, Father, उसने कहा पिता, forgive them. इन्हें माफ कर दे. They don't know what they are doing. क्योंकि जानते नहीं वो क्या करते हैं. That's the nature of God, a loving, forgiving nature. ये खुदा का स्वभाव है एक दूसरे के लिए माफी. Let's check our life. आइए अपने जीवन को चेक करें. When people are contrary to us, let's check our attitude towards those people like Christ. और जब लोग हमारे विरोध में होते हैं मसीह के नाथ की तरह जैसे मसीह का स्वभाव था, हम अपने जीवन को चेक करें. Jesus interceded for people who rejected him openly. प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए मध्यस्थता करी जिसने खुलेआम उनको रिजेक्ट कर दिया. Wait a minute, it doesn't end with our Lord Jesus. और एक मिनट रुक जाइए, ये केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का खत्म. When Christ was raptured, जब मसीह का रैप्चर हो गया, he told the church to wait in Jerusalem. उसने कलीसिया से कहा कि यरूशलेम में रुके रहो. And when the Holy Ghost came, और जब पवित्र आत्मा आया, the power of God came amongst the church. खुदा की सामर्थ कलीसिया में आ गई. The nature of God descended in the church. प्रभु का जो खुदा का जो स्वभाव था कलीसिया में, writing the book of Acts after that. और उसके बाद प्रेरितों काम की पुस्तक लिखना शुरू हो गई. Souls were saved. रूहें बची. The healed, the sick were healed. और बीमार चंगे हुए. Same power in Jesus working in the church. वही सामर्थ जो यीशु मसीह थी कलीसिया में काम करने लगी. Not only that. केवल इतना ही नहीं. Let's see the demonstration of the nature of God now in the church. अब आइए खुदावंत की सामर्थ का जो कार्यान्वित होना है चर्च में देखें. When Stephen, they were stoning him. जब स्टीफनोस को पथराव किया जा रहा था, उसने कहा, हे पिता, forgive them. इन्हें माफ कर. They don't know what they do. वो जानते नहीं कि ये क्या करते हैं. It's no more the nature of Jesus. अब ये केवल यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है. It's now sin upon the church. अब ये कलीसिया में भी दिखता है. It's now sin in the believer. अब ये विश्वासियों में दिखता है. It's not a sin. Brother Branham said this. Brother Branham said that. केवल इतना काफी नहीं कि भाई ब्रैनम ने ये कहा, भाई ब्रैनम ने ये कहा. Let's walk where the prophet has walked. आइए उस चाल में चले जो नबी चले. Let's express the humility the prophet expressed. आइए उस दीनता को दर्शाएं जो नबी ने दिखाई. Let's express the selflessness the prophet expressed. आइए वो जीवन जो कि नबी ने दर्शाया उस जीवन को दिखाएं. Someone say praise the Lord. कोई कहे praise the Lord. Brother, sister. मेरे भाई, मेरी Let's look at this thing very openly. आइए बड़े खुलेआम इस चीज को देखें. The greatest writer in the Old Testament. सबसे बड़ा लेखक पुराने अहदनामे में. Brother Moses. भाई मूसा. When he met the burning bush. जब उसने जलती झाड़ी को देखा. The bush was no more burning. अब झाड़ी जल नहीं रही. But the evidence that he has met the burning bush. लेकिन जो प्रमाण जो उसने उस जलती झाड़ी में देखा, वो था मूसा का स्वभाव. What the supernatural following Moses. अब देखिए ध्यान से अलौकिक जो मूसा के पीछे चल रहा है. The great writer Paul in the New Testament. जो बड़ा लेखक पौलुस है नए नामे में. To show he had a Damascus experience. इस बात को दिखाने के लिए उसका दमिश्क में एक अनुभव हुआ. It was the attitude of Paul towards God's children. वो जो स्वभाव पौलुस का था खुदा के बच्चों के लिए. It is own Gamaliel.
It is on the teaching of Gamaliel. और वो गमाल के चरणों में बैठ के पढ़ा था. I've never come to enticing words, wisdom of men. मैं मनुष्य की चिकनी चुपड़ी बातों को लेकर नहीं आया हूँ. I was preaching Christ crucified. लेकिन वो प्रचार कर रहा था मसीह जो क्रूस पर चढ़ा. The nature of God was now in Paul. अब खुदा का स्वभाव पौलुस में था. Paul now can love the unlovable. अब पौलुस जिनसे प्रेम नहीं करना चाहिए उनसे प्रेम करने लगता है. Paul can intercede for those who are holding him in bonds. और पौलुस उनके लिए बिछवाई का काम कर रहा है जो उसको हथकड़ी बांधते हैं. They are taking him to the judgment the other side. और वो उसको न्याय के लेके जा रहे हैं दूसरी तरफ. He says, "Worry not, none of your life will be lost." उन्हें कहा चिंता ना मत करना किसी के जीवन का नुकसान. Encourage people who are there to take him to the prison. वो उन लोगों को साथ कर रहा है जो उसको प्रिजन में जेल में लेके जा रहे हैं. And when Paul was in prison, और जब पौलुस जेल में था, and Silas was singing songs, और सिलास गीतों गा रहा था, and then the chisel, you know, the shackles were broken. और आप पाएंगे उस समय पेड़ियां टूट गईं. The man knew, oh, I'm dead, I'm good as dead. He took the sword, want to take his life. और वहां पे जो जेल का जो अधिकारी था उसने अपना तलवार निकाली अपने को मारना चाहा. Paul says, "Don't harm yourself." पौलुस ने अपने आप को हानि पहुंचाई. We are all here. We've never left. हम सब यहीं पर मौजूद हैं. It's the nature of God, brothers. ये खुदा का स्वभाव मेरे भाई बहनों. Now see the nature of God. अब आप खुदा के स्वभाव को देख सकते हैं. Express in a believer. एक विश्वासी से प्रकट होते हैं. Now we can understand. अब हम समझ सकते हैं. What God was. जो कुछ खुदा था. He poured upon Christ. वो मसीह में लेके आया. What Christ was. जो मसीह थे. He poured upon the church. उसने कलीसिया पे उंडेल दिया. How will the world know? संसार कैसे जानेगा? We have met the supernatural. ये हमारी मुलाकात How will the world know? संसार कैसे जानेगा? The word is open. ये वचन खुल गया है. How will the world know? संसार कैसे जानेगा? We are the bride of Christ. ये मसीह की दुल्हन है. How will the world know? कैसे संसार जानेगा? We have heard from our Theophanes. हमने अपने थियोफनी से सुना है. How will the world know? कैसे संसार जानेगा? The divine nature of God. ये हमारे पास खुदा का देव स्वभाव है. When we can love one another. ये तब हो सकता है जब हम एक दूसरे से प्रेम करें. Express the nature of God. ये तभी हो सकता है जब हम खुदा के स्वभाव को प्रकट करें. Praise the Lord. या कोई कह सकता है praise the Lord? Brother, sister. मेरे भाइयों बहनों. We will not convert India. हम हिंदुस्तान को नहीं बदलेंगे. By teaching the right teaching. सही शिक्षा सुनाने के द्वारा. We won't convert the native in Africa. हम जो आदिवासी अफ्रीका में पाए जाते हैं उनको हम बदलेंगे नहीं. By only teaching the right teaching. केवल सही शिक्षा देने के द्वारा. The gospel came on the demonstration behind. वो सुसमाचार आया उस प्रकटीकरण के साथ. We must demonstrate the power of God. जरूरी है हम खुदा के सामर्थ को दर्शाएं. We are not worshiping a dead God. हम एक मरे हुए खुदा की उपासना करें. He is a living God. वो एक जीवित खुदा है. Amongst the living saints. जीवित संतों के बीच में. Can someone say praise the Lord? क्या कोई आमीन कह सकता है? The nature of God. खुदा का स्वभाव. Must ooze in the church. कलीसिया में से उमड़ना चाहिए. The nature of God. प्रभु का स्वभाव. Must be demonstrated and reflected in all of our lives. हम तमाम लोगों के जीवन से प्रतिबिंबित होना चाहिए. When someone meets us. जब कोई हमसे मुलाकात करे. He mustn't say what a knowledgeable people are. ये नहीं कहे उसको ये नहीं कहना चाहिए कितने ज्ञानी लोग हैं. When it departs from us. जब हमको छोड़ जाए, what a loving nature this person has. उसको ये कहना चाहिए कितना प्यारा स्वभाव इस आदमी के पास है. Someone say praise the Lord. कहे praise the Lord. Here's my challenge. Here's your challenge. यहाँ पर आपकी चुनौती यहाँ मेरी चुनौती है. As you come to a close. जब मैं बंद करने जा रहा हूँ. Brother Branham. भाई Branham. They came to a time they were testifying even after he has gone. They were testifying, testimony about the prophet. वो नबी के बारे में गवाही दे रहे थे उनके जाने के बाद. They say it came a time. उन्हें कहा एक समय आया. In his life. उनके जीवन में. Let me remind you what he said. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ क्या कहा गया. He said, "I'm the sheaf that was weaved." Sorry? I'm the sheaf weaved. तो पूला था वो जो हिलाया गया. Declaring many more sons and daughters like me are coming. इस बात का ऐलान करते हुए कि मेरे समान कई और बेटे बेटियां आ रहे हैं. So he's the one who came to maturity. Yes, Christ came to maturity. तो यह है वो जो कि परिपक्वता तक पहुंचा जैसे मसीह पहुंचा था. But that was not it. लेकिन इतना ही काफी नहीं था. He was declaring other ripe fruits are coming from the same tree. वो इस बात को दर्शाता था कि और पके हुए फल आ रहे हैं उसी वृक्ष से. Growing from the same vine. जो कि उसी वाइन से खींच रहे थे. Producing the branches. जो कि डालियों को लेके आ रहे थे. Yield the fruits like the vine. और जैसे कि उस वाइन में उस दाखला था के जैसा जीवन है वैसी फलों में दहा रहा था. There comes a time. एक समय आता है. When they say you couldn't tell between the enemies of the prophet and his friends. जब आप नबी के दुश्मन एनिमी ऑफ द सॉरी एक समय ऐसा है कि नबी के दुश्मन और दोस्तों के बीच में फर्क नहीं पता लगते थे. It didn't matter whether you agreed with him or not. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उससे सहमति रखते हैं कि नहीं. It didn't matter whether you understood his preaching or not. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके प्रचार को समझे या नहीं. Whether you are an infidel. या तो आप एक नास्तिक हो. Whether you are a oneness, two-ness, holiness, pilgrim, whatever it is. चाहे oneness, two-ness, pilgrim, holiness हो कुछ भी हो. There came a time. एक समय आया. The nature of God. खुदा का स्वभाव. Made him draw a big circle.
उसने गॉड ब्लेस यू उसको विवश किया कि एक बड़ा गोला बनाए. He said they are all my brothers. उन्होंने कहा ये सब मेरे भाई हैं. Irrespective how it is. चाहे कैसे भी दिखते हों. If we can focus on that one. अगर हम इस बात पे फोकस करें. The world will be a different place, brother, sister. आपके लिए संसार बिल्कुल फर्क हो जाएगा. Our challenge is this. हमारी चुनौती ये है. Towards the end of church ages. कलीसिया कालों की समाप्ति पे. Before the taking off. उन्होंने कहा इससे पहले कि उड़ान हो. That's going to be a short. Powerful demonstration of the spirit. आत्मा का एक छोटा कार्यान्वित होना होगा. And how is God going to do it? और खुदा इसको कैसे करेंगे? Through the elect amongst us. हमारे बीच में पाए जाने वाले चुनों के द्वारा. He's going to do it, brother, sister. वो इस बात को करेंगे. And already is doing it. और वो पहले से कर रहे हैं. The faith pool is in operation as we speak. तीसरा खिंचाव कार्यान्वित हो रहा है जब हम बोल रहे हैं. It's just that when God does things, जब खुदा उन कामों करते हैं, it doesn't become a big bang like people expect. जबकि उनके जो जींस है वो सना हुआ खूनों से उन गिलहरियों को मारने से उसके बाद वो सीधे सिस्टर हेटी राइट के घर में जाते हैं. Speaking about the supernatural that he has met. और उस अलौकिक के बारे में बातचीत करें जो उनको मिला था. Sister Hattie says, "Brother, I believe it with all my heart." सिस्टर हेटी राइट ने कहा भाई ब्रैनम मैं संपूर्ण हृदय से इसको मानती हूं. God was so moved. खुदावन इतना ज्यादा हिल गए. It was not in the church environment. हाँ ये चर्च वाले एनवायरनमेंट में बात नहीं हो रही. It was in a humble little home. एक छोटे तीन कृतम घर में हो रहा है. Sister who believed the divine things of God. एक बहन जो खुदा के दिव्य बातों पे भरोसा कर रही थी. She believed the supernatural so much. वो अलौकिक पे इतना विश्वास किया. That is nothing but the truth. ये कुछ नहीं बल्कि सत्य है. Oh, it moved God. इस बात ने खुदा को हिला दिया. When faith was expressed. जब विश्वास प्रकट हुआ. When revelation was in attendance. जब प्रकाशन प्रकट हुआ. I touched God. इस बात ने खुदा को छू लिया. Tell this woman. स्त्री से कह दे. Ask what और उसको उसी समय ऑन द स्पॉट मिल जाएगा. Someone say praise the Lord. Okay, praise the Lord. So there are great supernatural things that God is doing now in a humble, simple way. So महान अलौकिक काम खुदावन बहुत ही दीन और कृत्रिम तरीके से कर रहे हैं. God never stopped healing the people with the campaigns of the prophet. No. खुदावन ने कभी भी उन लोगों को चंगा करना छोड़ा जो नबी के पास आ रहे थे. God is moving through His bride in this hour. खुदावन आज दुल्हन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं. Somebody say amen. कोई कहे आमीन. Church of the living God. जीवते खुदा की कलीसिया. We are in it ourselves. हम इसमें स्वयं पाए जाते हैं. We are included in this thing ourselves. हम इस चीज में शामिल हैं. If ever those saints they wrote the book of Acts behind them. Sorry. If those saints the early church wrote the book of Acts behind them. जो शुरुआती कलीसिया जिन्होंने प्रेरित काम की पुस्तक को लिखा. The bride is here. यहां पर दुल्हन है. Before we leave. इससे पहले हम यहां से जाएं. This world will know. ये जानेगी. Before we leave, इससे पहले हम जाएं. This world will know. ये संसार जानेगा. That our Christ, our Isaac is not dead. कि हमारा इज़ाक, हमारा मसीह मरा नहीं है. The bride is here. दुल्हन यहाँ है. Power of His power. उसके सामर्थ्य में का सामर्थ्य. Spirit of His spirit. उसकी आत्मा में की आत्मा. Miracles, signs and wonders. आशीर्वाद, चिन्ह, चमत्कार. Supernatural following the bride. अलौकिक दुल्हन के पीछे पीछे. The nature of God in the bride. खुदा का स्वभाव दुल्हन के अंदर. Divine love for one another. दैवीय प्रेम एक दूसरे के प्रति. Divine healing everywhere. दैवीय चंगाई हर जगह. Let your joy be full. तुम्हारा आनंद भर जाए. By loving one another. एक दूसरे के प्रेम द्वारा. He says our perfection will come. जब हमारा सिद्ध आएगा. When we have love. हमारा सर्वसिद्ध तब आता है जब प्रेम आ जाता है. Love is what perfects us. प्रेम वो जो हमें सिद्ध करता है. In love there's no fear. प्रेम में कोई डर नहीं है. In love there's no condemnation. प्रेम में कोई दोषारोपण नहीं है. In love there's forgiveness. प्रेम में माफी है. In love there's bearing for one another. प्रेम में एक दूसरे के लिए सहना है. In love my brother my sister. मेरे भाई मेरी बहन प्रेम में. You can sacrifice so much for the next fellow man. आप अगले शख्स के लिए जो आपके पास है इतना ज्यादा कुर्बान कर सकते हो. Hear what the prophet says. यहां पे नबी कहते हैं. I want my neighbors to go to the rapture. नबी ने कहा कि मैं चाहता हूं मेरा पड़ोसी रैप्चर में. I want all my friends to go to the rapture. मैं चाहता हूं मेरे सारे दोस्त रैप्चर में. He says I want all my enemies to go to the rapture. नबी ने कहा मैं चाहता हूं मेरे तमाम दुश्मन रैप्चर में. Desire of a man. Sorry? It can't be a desire of a man. ये किसी एक आम इंसान की इच्छा नहीं हो सकती. It must be the nature of God. जरूरी है कि खुदा का स्वभाव. And we must all have that nature of God. और हम सब के पास खुदा का स्वभाव होना चाहिए. We must pray and say, Lord. हमें कहना चाहिए खुदावन. Let my mistakes be. ऐसा हो कि मेरी कितनी गलतियां. A stepping stone for others. दूसरों के लिए एक stepping stone हो. Let my brothers and foes. मेरे जो दोस्त हैं, मेरे दुश्मन जो हैं. Be something that will encourage others. Encourage others. एक दूसरे को उत्साहित करें. Along the way, मार्ग में. Oh, brothers, we've got a challenge in our hands. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे हाथों में चुनौती. God's divine nature. खुदा का दैवीय स्वभाव. Must stopping reflecting on God alone. केवल खुदा पे रुकना नहीं चाहिए. Not on the prophets. केवल नबियों पे बात नहीं करना. Not on Christ the Messiah. मसीहा और. Not on the prophet himself. केवल नबी पे नहीं. But it must come to every son and the daughter of a living God. लेकिन हर एक बेटे और बेटी पे जो खुदावंत का जो
पे विश्वास करता है उस पे आना चाहिए. The world cannot be worse than what it is now. संसार जो आज हालत है उससे ज्यादा बुरा नहीं हो they सकता. They need something different they don't have. उनको कुछ फर्क चाहिए जो उनके पास है नहीं. They need the life of Christ displayed. उन्हें चाहिए मसीह का जीवन प्रदर्शित होते. The divine nature of God. खुदा के दैवीय स्वभाव के. May God bless your house this morning. खुदा ने आपके बड़े. May God grant us grace this morning. काश खुदा ने हमें. My prayer, my aim this morning. मेरी प्रार्थना आज सुबह. Is that may the love of God permeate so much in our hearts. कि खुदा का प्रेम हमारे हृदय में इतना ज्यादा आ जाए. Until it's hard to be separating each other. हमें एक दूसरे से अलहदा होना ना चाहें. Love of God must burn so much in our hearts, brother, sister. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर इतना जलना चाहिए. One another must be exactly the thought we have towards our master. कि हमारा जो विचार एक दूसरे के प्रति बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे स्वामी के लिए होता है. May God bless you. काश खुदा आपको बरकत दे. Bow our heads in a word of prayer. आइए प्रार्थना में सर को झुकाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. If you want to be remembered this morning in prayer. अगर आप चाहते हैं कि आप याद किए जाएं सुबह प्रार्थना. Say, Lord Jesus. आप कहें प्रभु यीशु मसीह. I've read the message. मैंने संदेश को पढ़ा. I spoke about the message. संदेश के बारे में बोला है. I testified about the message. मैंने संदेश के बारे में गवाही दी. I kept the ordinances in the message. और संदेश में पाई जाने वाली आज्ञाओं को पूरा किया. What we need today. प्रभु आज जो हमें चाहिए. Is that divine nature of God. वो है वो दैवीय स्वभाव. To be expressed in our lives. ताकि हमारे जीवन में प्रकट हो सके. The attitude of the word. वचन का स्वभाव. That love of God. वो खुदा का प्रेम. Oh, for all men. तमाम मनुष्य के लिए. We'll definitely know. हम पक्की तौर से जानेंगे. That we have met the supernatural. कि हमारी मुलाकात अलौकिक से हुई. When we can have love for God. जब हमारे पास खुदा के लिए प्रेम होता है. Oh, brother, sister. मेरे भाइयों बहनों. May God help us this morning. काश खुदा हमें मदद करे आज सुबह. Let's bow our heads in the word of prayer. आइए प्रार्थना स्वरूप अपने सर को झुकाएं. Father, in the name of the Lord Jesus. पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Thank you, Father, for this word. धन्यवाद पिता आज इस वचन के लिए. Thank you for the believers, oh God. विश्वासियों के लिए आपका धन्यवाद. Thank you for the atmosphere, my loving King. मेरे प्यारे राजा इस वातावरण के लिए धन्यवाद. Thank you for the inspired word, oh God. इस प्रेरणा से भरे वचन के लिए आपका धन्यवाद. Thank you, my loving King, for your nature. आपके स्वभाव के लिए प्रभु आपका धन्यवाद. A humble, gentle nature. एक कृतम, दीन स्वभाव. Sweet, tender nature. आपका बहुत ही मधुर स्वभाव. Thank you for the Holy Ghost, Lord. प्रभु धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा. Thank you for eternal life, Lord. अनंत जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु. Thank you, Father God, for rapturing faith, Lord. उड़ा जाने वाले विश्वास के लिए धन्यवाद. Thank you for opening the word, my Father. वचन को खोलने के लिए पिता आपका धन्यवाद. Thank you for the anointing of the word. वचन के अभिषेक के लिए धन्यवाद. Thank you for revealing yourself to us, oh God. अपने आप को प्रकट करने के लिए धन्यवाद. Thank you for changing our nature, Father. हमारे स्वभाव को बदलने के लिए धन्यवाद. Thank you for redemption power, oh God. ओ छुड़ाने वाली सामर्थ्य के लिए धन्यवाद. David says, "Thy word is a lamp unto my feet." दाऊद ने कहा तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है. And a light to my path. और मेरे मार्ग के लिए उजाला. Oh God, we need more of you this morning. ओ प्रभु आज सुबह हमें आपकी अधिकाई से जरूरत है. We need your heart this morning, oh God. आज आपका हृदय चाहिए प्रभु. We need your divine nature this morning, Father. आपका दैवीय स्वभाव चाहिए प्रभु आज सुबह. We need your departing mercy, my Father God. आपकी दया की आवश्यकता आज सुबह. If was any foot on the wrong place, forgive us, oh Father. अगर हमारे पांव किसी गलत जगह पे गए माफ करें. If there was any thought not right, thought right, forgive us, Lord. ओह अगर हमारा विचार सही ना रहा हो प्रभु माफ करें. Any statement not said right, forgive us, Father. और हमारा कोई वाक्य जो हमने मुंह से बोला सही ना हो माफ करें. We just want to be a blessing to your people, oh God. केवल बरकत का बाइस होना चाहते हैं आपके लोगों के लिए. We just want your purpose to be fulfilled about our lives, oh God. हम चाहते हैं कि आपका मकसद हमारे जीवन से पूरा हो सके. We pray this morning. हम प्रार्थना करते हैं आज सुबह. Be the after speaker, my Father God. जो मेरे बाद आने वाले स्पीकर उसके साथ हूं. Follow every one of us, Father. हम सब का के साथ हूं प्रभु. Oh, remind us of these things, oh God. इन बातों के लिए हमें याद दिलाएं. That without love, कि बगैर प्रेम के, it's all tinkling cymbal, oh God. झंझनाते भी झांझ है केवल. Everything else will be in vain, my Lord. सब कुछ व्यर्थ होगा. But if you are centered in your divine love, oh God. लेकिन अगर हम आपके दैवीय प्रेम पे केंद्रित हो जाएं, all things become possible, my loving King. सब कुछ संभव हो जाता है मेरे प्रभु. Thank you, Holy Spirit, for healing your children, Lord. पवित्र आत्मा धन्यवाद कि आपने लोगों को चंगाई दी. Thank you for blessing us this morning, Father. हमें बरकत देने के लिए धन्यवाद. Thank you for speaking to us, dear Jesus. ओ प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद. Blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम मुबारक हो. We pray this afternoon, Father. हम इस दोपहर को प्रार्थना करते हैं प्रभु. Be with us again and refresh us. हमारे साथ हमें ताजगी दें. As we come back to your house, Lord. जबकि हम आपके घर में आते हैं, may we have a wonderful, blessed time, Father. हमारे पास बहुत ही मुबारक समय हो. Continue on with us, oh God. हमारे साथ आगे बढ़ते जाएं. Dealing with our hearts. हम अपने हृदय से विश्वास करते हैं. Dealing with our souls, oh God. अपने प्राण में विश्वास करते हैं. Bless the pastor, my dear Jesus. मेरे पास्टर अजीत भाई को बड़ी बरकत दें. Grant him more grace, oh God. उनको अधिकाई से अनुग्रह दें. Bless the church so much, oh Father. कलीसिया को इतना ज़्यादा बरकत दें. In the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में. We give you all the praise. हम तमाम धन्यवाद देते हैं. Honor and glory. और आपकी महिमा के लिए. In Jesus' name with thanksgiving. इस प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. Amen. God bless your heart. खुदा आपके हृदय को बड़ी बरकत दे. God bless you, saints of God. खुदा आपको बड़ी बरकत दे. Draw me deeper and deeper in your word of truth. Draw me deeper and deeper to prove my love for you. Draw me deeper and deeper to a place where you are.
draw me deeper and deeper, that I may know your heart. Oh, draw me deeper and deeper in your word of truth. Draw me deeper and deeper to prove my love for you. Draw me deeper and deeper to a place where you are. Draw me deeper and deeper that I may know your heart. God bless you all. Come to men of God. Amen. God bless you all. Hallelujah. Draw me deeper, deeper into your love. So blessed be the name of the Lord. So khuda ka naam jalal paaye. What a message we had. Kya sandesh tha hamare beech mein. Because that's what we require in this hour. Kisi cheez ki aavashyakta hai hame is ghadi mein. But Branham said, Bhai Branham ne kaha, this John who went on the Isle of Patmos. ये यहुन्ना जो कि पत्मस टापू पे गया and after that he went back to Ephesus. और उसके बाद वापस इफिसुस चला गया and as he was growing older. और जब वो बूढ़ा होता जा रहा था and he was now not able to see much. और अब अधिक उसको दिखता नहीं था he had just one word. उसके पास केवल एक वचन था children love one another. बच्चों एक दूसरे से प्रेम करो and that's the message in fact. और यह है संदेश वास्तविकता में and as we heard the message today. और जैसे हमने आज संदेश को सुना It's the elect that'll be able to love each other. ये चुने हुए होंगे जो एक दूसरे से प्रेम कर पाएंगे. Serpent seed cannot love. सर्पंच प्रेम नहीं कर सकता. We heard that. हमने इसको सुना. Because they don't have that nature of God. क्योंकि उनके पास वो खुदा का स्वभाव नहीं है. But it's the nature of God that was cooing on this earth. लेकिन खुदा का स्वभाव था जो पृथ्वी के ऊपर कू कर रहा था, से रहा था. As Brother Branham said, making love with it. जैसे भाई ब्रैनम बताया उसके साथ प्रेम कर रहा था. It was building an atmosphere. वो एक वातावरण को बना रहा था. When that spoken word could be said. जब वो मुंह से बोला गया वचन बोला जा सके. And then came that work of creation. और तब आया वो सृष्टि का काम. And that restoration, in fact. और मैं कहूंगा बहालीकरण वास्तविकता में. Which you saw it. जिसको आपने देखा. It's the love which projected. ये वो प्रेम है जो प्रकट हुआ. And we really thank God that there has to be some place where the love needs to be projected today. और हम जानते हैं कि आज एक स्थान होना चाहिए जहाँ से वो प्रेम प्रकट हो. And that's that feminine part. और वो है वो नारी वाला हिस्सा. Which was taken out of him. जो उसमें से निकाला गया. And that love went in that bride. और वो प्रेम दुल्हन में चला गया. That's right. बात सही है. It's a fact. ये बात सत्य है. It's not just quotes or teachings. That changes people. ये केवल हवाले और ये केवल वचन की आयतें नहीं है जो कि लोगों को बदलती हैं. It's the demonstration of the agape love of God. ये उस खुदा के अगापे प्रेम का प्रदर्शित होना है. And as we heard Danny Henry's prophecy. और जैसे हमने डेनी हेनरी की प्रोफेसी को सुना था. This in itself is that will bring that tremendous victory in love divine. ये वो चीज है जो कि एक बड़ी जीत को लेके आएगा दैव्य प्रेम में. So you see that divine love, he said, is the Holy Spirit. और आप जानते हैं देव प्रेम के लोगों ने कहा वो पवित्र आत्मा है. And until you have that Holy Ghost, और जब तक कि आपका पवित्र आत्मा ना हो, that love cannot be projected. वो प्रेम प्रकट नहीं हो सकता. And I would say this, मैं इस बात को कहना चाहूँगा, if somebody feels today morning that I need that love, Lord. और अगर आज कोई है जो कि यहाँ महसूस करता है और चाहता है और कहना चाहता है खुदावंद आज मुझे उस प्रेम की आवश्यकता है. You see, when he went on that other side, आप देखिए जब वो उस पर्दे के पार गए, in that sixth dimension, वो छठे आयाम में, he said it was perfect love. उन्हें कहा वहाँ सिद्ध प्रेम था. Without perfect love, you can't enter in this place. बगैर सिद्ध प्रेम के आप इस जगह पे घुस नहीं कर सकते. And the prophet was told that this is the Holy Ghost that you preached. और नबी से कहा गया ये पवित्र आत्मा जिसका तुमने प्रचार किया. So you see that Holy Ghost is that perfect love. आप देखिए वो पवित्र आत्मा जो कि सिद्ध प्रेम है. And so. और इसलिए इफ यू फील अ डर्थ ऑफ दैट टुडे, अगर आप इस चीज की कमी महसूस करते हैं अपने जीवन में, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, आपके पास एक मौका है टू से लॉर्ड फिल मी विद दैट लव, कि आप कहें प्रभु मुझे इस प्रेम से भर दे. योर लव, आपका प्रेम,
which is the Holy Ghost, जो कि पवित्र आत्मा है, your nature, Lord, प्रभु आपका स्वभाव, we need it so much today, आज हमें उसकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता है, as we move deeper into you, जैसे हम गहराई में आपके साथ पढ़ते जाते हैं, God really bless our precious brother Brian, खुदावंद हमारे बहुमूल्य भाई ब्रायन को बड़ी बरकत दें, and our precious brother Ashley, और हमारे बहुमूल्य भाई एशले को, who brought our brother here, जो कि हमारे भाई को यहाँ पे लेके आए, and we were blessed by this ministering, और इस सेवकाई से हमने बरकत को पाया, may God's name be really praised, काश खुदावंद का नाम जलाल पाए, let's bow down our heads in a word of prayer, we'll pray one small final prayer, और हम एक आखिरी अंतिम प्रार्थना करेंगे अपने सरों को झुकाएं, before we finish this meeting, इससे पहले कि हम सभा को समाप्त करें, thank you Lord Jesus, हे प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, how you and Morphy behind your children, कैसे आप अपने बच्चों के पीछे एंड मॉफी हुए, and how Lord you projected your love today morning, और कैसे आज सुबह आप अपने प्रेम को आज हमारे सामने दर्शाया, through this humble servant of yours, our precious brother Pastor Brian, Lord, अपने कृतम दास हमारे precious भाई brother Brian के द्वारा प्रभु, and we really thank you Lord, और हम वास्तविकता में आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, that we heard from heaven, कि हमने स्वर्ग से सुना, we heard your divine will, हमने आपकी दैवीय इच्छा को सुना, and now Lord I pray you give us grace, और प्रभु मेरी प्रार्थना आप हमें अनुग्रह प्रदान करें, to follow this 11th commandment, कि हम इस 11वीं आज्ञा का अनुकरण करें, because that is the commandment connected with paradox, क्योंकि यह है वो आज्ञा जो कि जुड़ी है अजूबे के साथ, so Lord fill us with your love, so प्रभु अपने प्रेम से हमें भर दें, as we commit ourselves into your hands of grace, जबकि हम अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में समर्पित करते हैं, that same love that elected, वही प्रेम जिसने चुना, that same love that had a forethought, वही प्रेम जिसके पास पूर्व विचार था, which predestinated, जिसने पहले से ठहराया, and came down in this age, और इस युग में नीचे उतर के आया, with an open book, एक खुली किताब के साथ, to give it to your children, ताकि आपके बच्चों को दे, Lord, we really thank you, प्रभु हम वास्तविकता में आपका धन्यवाद करते हैं, because you wanted your nature in some people, क्योंकि आप चाहते थे कि आपका स्वभाव कुछ लोगों में हो, it was not just a parchment of paper, ये केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं था, that's what we were seeing yesterday in the meeting, Lord, यही चीज हम कल देख रहे थे खुदावंद मीटिंग में, it was not papers, ये कागजात नहीं थे, it was a life, ये एक जीवन था, it was a divine nature, ये एक दैवीय स्वभाव था, which had some names written in it, जिसके अंदर कुछ नाम लिखे हुए थे, now Lord give us grace to be partakers of this divine nature, आ प्रभु हम पर अनुग्रह करें ताकि हम इस दैवीय स्वभाव के हिस्सेदार बन सकें, and let this capstone which our brother preached today, और ऐसा हो सके ये चोटी का पत्थर जिसके बारे में हमारे अजीज भाई ने प्रचार किया, charity, divine love, प्रेम, दैवीय प्रेम, come as a capstone on every life, हर एक जीवन के ऊपर एक चोटी के पत्थर के रूप में आ जाए, and cap us off for the take off, और हमें हमारे पे चोटी के पत्थर रख दिया जाए ताकि हम यहाँ से उड़ान भर सकें, oh God we praise your name, oh खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, how we see Africa and India coming together, कैसे हम देख पा रहे हैं अफ्रीका और हिंदुस्तान एक हो रहा है, how we see brothers from various places coming together, कैसे हम देख रहे हैं भाई लोगों को विभिन्न स्थानों से एक साथ आते हुए, and your love flowing amongst us, और आपका प्रेम हमारे अंदर बह रहा है प्रभु, it's my prayer Lord take away all confusions from the minds of the people, ये मेरी प्रार्थना है कि लोगों के विचारों से दिमागों से तमाम कंफ्यूजन को हटा दें, and let us be able to love one another, और ऐसा हो सके हम एक दूसरे से प्रेम रख पाए, blessed be your holy name, आपका पवित्र नाम जलाल पाए, Lord, the seed of the word has been now sown. प्रभु वचन का बीज बोया जा चुका है. Now my prayer is. अब मेरी प्रार्थना ये है. May we be accounted as a good ground to bring 100-fold. हम ऐसी भली भांति भली भूमि के मानिंद हो सकें जो कि 100 गुना फल लेके आया. As we submit ourselves into your hands of grace. जबकि हम अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं. In the name of Jesus Christ and for your glory, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी महिमा के लिए इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं. Amen. Amen. आए हमारे बाप आप जो आसमान में हैं आपका नाम पाक माना जाए आपकी बादशाही आए आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो माए रोज की रोटी आप में बख्श दें और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बुराई से बचाएं बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है आमीन और आमीन I love him. I
and purchased my salvation on Calvary's tree. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभा यहीं समाप्त होती है. आमीन. शालोम. मंगलवार शाम 7:30 बजे हमारी सभा होगी. थर्सडे को भाई राजीव चंद्रा उनके ग्रुप की बारी है, तो आप लोग 7 बजे आए प्रार्थना के लिए. मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि भाई चिराग डिस्चार्ज हो गए. खुदा ने दुआओं को सुना और वो घर आ चुका है. हमारी दुआ है कि वो जल्दी चर्च आ सके. खुदा ने इस मेजर ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया. खुदावन का धन्यवाद हो. हमने दुआ करी अपनी प्यारी बहन वंदना टाइटस के लिए, जो ब्रदर दीपक टाइटस अब जो पास्टर हैं नागपुर में, उनकी वाइफ हैं, और खुदावन ने उस महान सर्जरी को होने का फजल दिया और खुदावन के फजल से वो सर्जरी से निकल के आई हैं. हमारी दुआ है कि प्रभु उन्हें संपूर्ण चंगाई दे. और जब कलीसिया एकजुट होकर दुआ करती है, खुदावन उन दुआओं को सुनते हैं. सो प्रभु का नाम मुबारक हो. और मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा आपसे. ये दोनों भाई हमारे साथ अभी हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूं, तो जो हम सभा के बाद दशवांश वाला पार्ट रखते हैं उसको अभी थोड़ा सा विदहोल्ड करें जब तक ये दो भाई हमारे साथ हैं. जब ये चले जाएंगे तब हम दशवांश वाले हिस्से को आपके साथ करेंगे. इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें. तो यहाँ आगे आके मीटिंग के तुरंत बाद लाइन ना बनाएं. लाइन बनाने के लिए आपको संकेत दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे. एक दूसरे से मिलें, प्रेम से मिलें, एक दूसरे को लहू के नीचे देखें और जय मसीह की बोलें, प्रेज लॉर्ड बोलें, ब्रदर आई लव यू बोलें, दिल से बोलें. और अगर आपका दिल भी नहीं मानता फिर भी बोलें, क्योंकि एक समय आएगा कि अपने आप दिल करने लगेगा. ये बात सच है. तो यदि आप खुदा के फर्जंद हैं तो ये प्रेम अपने आप उमड़ के निकल के आएगा. गॉड रियली ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. आमेन.